अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। आप लोग प्लीज अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें। हमारा जो टॉपिक इस टाइम पे हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं, और हम लोग कल भी हमने कल स्टार्ट किया था, आज इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि हम उसको माइंड अप कर लें। बट आप लोग कमेंट करके बताएं कि आप लोगों ने अपना इंस्टाग्राम का जो अकाउंट है वो क्रिएट किया, आप लोगों ने उस पर साइन अप किया, उसकी ऐप इंस्टॉल की। उस हवाले से बताएं आपको जो चीज़ें कल मैंने करवाई थी उस वो आपको समझ में आई, आपने उसको प्रैक्टिस किया। ओके, थैंक यू। आप लोगों ने जो है वो अपनी अटेंडेंस मार्क कर तो आप लोग जो है वो अपनी मुझे बताते जाएं, अगर किसी को चीजें समझ में नहीं आई हैं, कोई कल का जो मैंने पॉइंट्स आपको करवाए थे तो मैं उसको रिपीट कर देती हूँ। ओके, आज का जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगी जो कि आप लोग भी फॉलो कर सकते हैं। इवन अगर आप देखें इंस्टाग्राम पे भी, तो इंस्टाग्राम का जो कंटेंट होता है, अगर आपने कल ज्वाइन किया है, बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि इंस्टाग्राम पे कभी भी वो आपको लिंक ऐड करने का जो ऑप्शन है वो नहीं देता, और अगर आपने ऐड किया हो तो देन वो उसको क्लिकेबल नहीं होता। तो हम उसमें क्या चीज़ है ऐसी जो यूज कर सकते हैं और जिससे हमारी पोस्ट जो है उसकी रीच ज्यादा हो सकती है? इवन अगर आप सोशल मीडिया जो इस टाइम पे प्लेटफॉर्म है उसमें देखें तो इंस्टाग्राम जो है वो सेकंड नंबर पे आ रहा है। पाकिस्तान में फेसबुक के बाद जो है सबसे ज्यादा यूज करने वाला जो प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का वो इंस्टाग्राम है। तो उसको आप लोग जो है वो देखें, इसमें बहुत ज्यादा ऑडियंस होती है। आप अगर चाहते हैं कि आपके फॉलोअर्स इंक्रीज हो जाएं और आप उसको बहुत कम टाइम में उसको लेके चल सकते हैं, अपनी प्रोफाइल को बहुत ज्यादा बूस्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने एक तो कंटेंट जो है वो रेगुलर बेसिस पे ऐड करना है। अब यहाँ पर जो है मैं आपके साथ कुछ कंटेंट क्रिएटर जो ऐप है हमारे पास, जिस प्लेटफॉर्म को हम यूज कर रहे होते हैं, हम वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ और इस पे काम कैसे करेंगे।
ओके, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये इंस्टाग्राम पोस्ट का ऑप्शन आ रहा है आपके पास। तो जैसे मैंने कल भी आपके साथ शेयर किया था कि अब इस पे हम जो है वो कंटेंट ऐड करते हैं, कंटेंट में जो है वो हमारे पास इमेजेस बेस्ड कंटेंट भी होता है, उसके अलावा जो है हमारे पास जो है द अदर थिंग कि हम वीडियोस भी ऐड कर सकते हैं। पहले हमारे पास था कि हम सिर्फ 1 मिनट की वीडियो जो थी वो ऐड कर सकते थे, बट राइट नाउ अब आप 1 मिनट से ज्यादा की वीडियो भी ऐड कर सकते हैं। ओके, आप लोग जितने भी स्टूडेंट आ रहे हैं, ऑनलाइन हो रहे हैं, क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, वो अपनी अटेंडेंस जो है वो साथ साथ मार्क करते जाएं। ओके, आपने कल अकाउंट क्रिएट किया, अभी तक आपको आइडिया नहीं कि अब आपने नेक्स्ट क्या करना है। कोशिश करें कि आप सिर्फ और सिर्फ अभी उसके जो ऑप्शन नीचे आ रहे हैं, जो टूल बार एक नीचे आ रही है जिसमें होम है, सर्च का है, ऐड पोस्ट का है, आप सिर्फ उसको अभी खुद टेस्ट करें, आप उसको देखो। बाकी इंशाल्लाह मैं आपको बताती हूँ किस तरह से आपने आगे फर्दर लेके चलना है इसको। ओके, आपका यहाँ पर जो सवाल आ रहा है, अच्छा आपने जो यहाँ पे क्वेश्चन किया है, आपने यहाँ पर जो सवाल किया है कि आप जो बाय रिक्वेस्ट आपको आई है उसने कहा है कि मुझे एक फ्रीलांसर चाहिए जो कि कन्वर्ट कर सके मेरी इनवॉइस को, पीडीएफ इनवॉइस को इनटू एक्सेल, और ऑटोमेटिक मुझे इसका जो है वो करवाना है। तो उसके लिए आप मुझे आंसर करें कि आप कौन सा टूल इस्तेमाल करेंगे और फिर जो जिसमें बहुत जल्दी से ये जो है कन्वर्ट हो सकती है। तो आई थिंक सो कि आप अगर इंटरनेट पे सर्च करते हो पीडीएफ टू एक्सेल, तो आपके पास जो है यहाँ पर काफी सारे टूल्स जो है वो आ जाएंगे। उसके साथ साथ एक और चीज है कि यहाँ पर अगर आप उसको टूल बता रहे हो तो वो खुद भी उसको कर सकते हैं, क्योंकि वो तो ये कह नहीं रहा कि आप उसको मैन्युअली करके दें, वो तो ये कह रहे कि आप उसको कोई टूल बता दें और आपने अगर वो टूल यूज करके करना है तो वो खुद कर लेगा। तो आप इसमें जो है अगर आप यहाँ पे गूगल पे जाएंगे, यहाँ पर आप चेक करो, ठीक है, ये आप इसको देखो, यहाँ पर स्मॉल पीडीएफ आ रहे हैं। ये वेबसाइट है, ilovepdf.com है, ये वेबसाइट है जहाँ पे जाके आप पीडीएफ टू एक्सेल, वर्ड, किसी भी जो फॉर्मेट में जो है फाइल को कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, आपको क्या हेल्प चाहिए थी? आई थिंक सो आपको प्रीवियस नोट्स चाहिए थे, लास्ट जो क्लास आपकी मिस हो गई थी उनके, तो उस हवाले से जो है
मेरा ख्याल है कि आपको, अगर आपसे कल क्लास में ड्यूरिंग क्लास ही जो है फीमेल स्टूडेंट ने कहा था कि वो आपको प्रोवाइड कर देगी, उनके पास हैं, तो बाकी अगेन मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज इनकी हेल्प कर दें आप, या हमारी टीए जो हैं उनसे कांटेक्ट कर लो। मैं आपको, आप मुझे इनबॉक्स करना, मैं आपके साथ उनका लिंक शेयर कर दूंगी प्रोफाइल का, आप उनसे कांटेक्ट कर लो, देन वो आपको गाइड कर देंगे, जो भी चीजें हैं आपकी आपको उस हवाले से करवा देंगे। अच्छा जी, आपने कहा है कि मैम एक बायर क्वेस्ट ने बायर ने क्वेश्चन का आंसर पूछा है। अच्छा जी, आपको भी सेम ही एक आ रहा है, तो आप इसका आंसर करके आप यहाँ पर जो वेबसाइट आ रही है, जो टूल्स आ रहे हैं, ऑनलाइन टूल आपके पास अवेलेबल हैं, आप उसको ऐड करके जो है वो उनको सेंड कर दें। और आई थिंक सो कि ये जो आप जिस पे बात कर रहे हो, सेम हिना जो है यहाँ पे स्टूडेंट, उनका भी ही आया है, तो बहुत सेम है ये तो। अच्छा जी, आपका पीडीएफ इनवॉइस मींस, पीडीएफ इनवॉइस मींस के पीडीएफ फॉर्मेट में एक फाइल है जो कि इनवॉइस होती है, जैसे कि किसी बिल की इनवॉइस होती है या किसी सैलरी की इनवॉइस होती है, तो इनवॉइस का मतलब ये है, ठीक है। बिट कैसे सबमिट करवानी होती है, आपने सिंपल उस जॉब की डिटेल पे जाना है, उसके बाद जो है वहां पे आ रहा होता है, आप जब उसकी डिटेल पे जाएंगे क्लिक करेंगे, और उसके बाद नीचे अगर आप देखेंगे तो वहां पे आपके फॉर्म आ रहा होता है कि आप उस पे बिटिंग करना चाह रहे हैं, तो देन आप वहां पे अपना प्रपोजल वगैरह सबमिट करवा देते हैं। मैंने अपनी साइड से जो है वो माइक म्यूट किया हुआ था, दैट्स व्हाई जो है वो आपको वॉइस नहीं जा रही थी, और मैंने ड्यूरिंग मैं यहाँ पर जो है कुछ पेजेस फाइंड कर रही थी जो कि आपके साथ मैं शेयर कर सकूं। आई थिंक तो अब आप लोगों को जो है वो आवाज आ रही होगी। यहाँ पर जो है कुछ पेजेस मैं फाइंड कर रही थी ताकि आपके साथ जो है मैं शेयर कर सकूं।
ओके आई थिंक सो अब आपको वॉइस जो है वो प्रॉपर आ रही होगी। यहाँ पर एक पेज है जो कि एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का पेज है इंस्टाग्राम का, और इसको बहुत सारे लोगों ने फॉलो किया हुआ है, और इवन यहाँ पे अगर आप देखें, ओके फॉर द टाइम मैं यहाँ पे वो मैं क्लिक कर रही हूँ बट वो नहीं हो रहा। IGTV जो है यहाँ पर जिस तरह से ये ऊपर आ रहे हैं, इसमें इसका मतलब क्या होता है कि वो वीडियोस जो 1 मिनट से ज्यादा की होती हैं वो यहाँ पर IGTV के जो टैग के साथ जो है यहाँ पर आपको मिल जाती हैं। उसके अलावा यहाँ पर क्योंकि ये इंटरनेशनल पेज है, पाकिस्तानी पेज नहीं है, तो यहाँ पर जो है काफी सारा कंटेंट, और इवन यहाँ पर जो ऑप्शंस समटाइम जैसा गाइडेंस है, मे बी हमारे पास ये पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है ऑप्शन, लेकिन क्योंकि ये इंटरनेशनल पेज है तो इसमें वो सारी चीजें हैं, वो सारे ऑप्शन है। टैग जो आपको लोग कोई भी टैग करता है आपके पेज को, तो वो पोस्ट भी आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। ऊपर यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ये हाइलाइट्स आ रही हैं। हाइलाइट्स में क्या है कि यहाँ पर जो स्टोरीज में ऐड की होती हैं पोस्टें वगैरह, वो यहाँ पर आपको हाइलाइट्स में मिल जाती हैं। तो आप जैसा से यहाँ COVID-19 है, COVID-19 और देन आगे फर्दर है, चिल्ड्रन है, फूड सेफ्टी है, इस तरह के जो है पोस्टें हैं उनको यहाँ पे हाईलाइट किया गया जो स्टोरीज में ऐड की गई थी। तो इस तरह से आप भी अपनी प्रोफाइल पे, आप अपनी बिजनेस प्रोफाइल पे जो है वो चीजें ऐड कर सकते हैं। किसी भी टॉपिक से रिलेटेड जो है अगर आप कोई स्टोरी कंटेंट हाईलाइट करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। एक और चीज यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी, कल मैंने जैसे आपको बताया कि आपने किस तरह से एक प्रोफाइल जो है वो साइन अप करना है, साइन अप करने के बाद जो है मजीद आपने जो है इसमें अपनी प्रोफाइल पिक्चर ऐड करनी है, आपने अपना यूजर नेम देखना है कि आपका यूजर नेम जो है वो बिल्कुल एक अच्छा हो, ताकि उसको कोई भी अगर पर्सन एक्सेस करना चाहता है तो वो इजीली एक्सेस कर सके। जैसे कि यहाँ पे मैंने instagram.com लिखा, उसके बाद मैंने फॉरवर्ड स्लैश ऐड की और आगे इनका जो यूजर नेम था वो ऐड कर दिया, तो उससे मैंने क्या किया इस पेज की एक्सेस कर ली। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पे इन्होंने जो अपने बारे में कॉन्टेंट लिखा हुआ है बायो में, जो कि आपके पास ऑप्शन आ रहा होता है उसमें, इन्होंने जो कंटेंट ऐड किया है वो बहुत सिमिलर सा है, बहुत टू द पॉइंट है। ऐसा नहीं है कि वो बहुत लेंथी है कि उसके बाद आगे जो है वो डॉट्स आ रहे हैं, क्योंकि एक लिमिट होती है इन करेक्टर्स की, आप एक लिमिट से ज्यादा करेक्टर्स यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि बहुत टू द पॉइंट जो चीजें हैं वो ऐड कर दें। और एक और चीज यहाँ पर देखें तो यहाँ पे हैशटैग यूज हुआ हुआ है, यहाँ पे भी हैशटैग यूज हुआ हुआ है। तो ये हैशटैग यूज करने का मकसद क्या है, क्योंकि यहाँ पर ये वेबसाइट का लिंक आ रहा है, वेबसाइट का लिंक आप अपने बायो में अपनी प्रोफाइल में ऐड कर सकते हैं, लेकिन बाकी जो है यहाँ पर अगर आप ये कंटेंट देखें, आई एम रियली सॉरी बट फॉर द टाइम जो है यहाँ पर ये साइन अप करना पड़ेगा और उसके बाद ही ये डिस्प्ले करेगा। ओके आप यहाँ पर जो अगर कोई भी पोस्ट आप अपने पास देखते हैं, आपने साइन अप किया है इंस्टाग्राम को या इंस्टाग्राम पे आपका अकाउंट है, तो आप देखें यहाँ पे कंटेंट जितना भी होगा उस कंटेंट में जो भी कीवर्ड्स होंगे वो वर्ड जिन पे जिनको जो है वो आगे फर्दर लोग सर्च कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, वो उस पे हैशटैग अप्लाई हुआ होगा। और टेक्स्ट भी बहुत लेंथी नहीं होता, टू द पॉइंट होता है, और मोस्टली पोस्ट जो होती हैं इंस्टाग्राम की उस पे ज्यादातर क्या होते हैं हैशटैग यूज हुए होते हैं। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने यही भी हैशटैग यूज किया हुआ है, ये भी हैशटैग यूज किया हुआ है। अगर आप इस टेक्स्ट पे जो है इस हैशटैग पे मैंने क्लिक किया है तो उससे यहाँ पर जितने भी हैशटैग थे, इससे जितनी भी पोस्ट थी, अगर आप नंबर ऑफ पोस्ट देखें जिन पे ये हैशटैग यूज हुआ है वो यहाँ पर आ रहा है। उसके अलावा यहाँ पर ये इनके फॉलोअर्स हैं जो कि 8.7 मिलियन जो हैं फॉलोअर्स हैं इनके। उसके अलावा यहाँ पर 107 जो है फॉलोइंग है जिनको ये फॉलो कर रहे हैं। उसके साथ साथ एक और चीज यहाँ पे बता दूं, आप जब अपनी प्रोफाइल क्रिएट करते हैं तो आफ्टर 1 मिलियन आपका जो है यहाँ पर आपको ये ब्लू टिक जो है ये मिल जाता है। ब्लू टिक का मतलब होता है ये अकाउंट वेरीफाई है, इस पे जो लोग इसको कर रहे हैं इस पे रियल ऑर्गेनिक जो है वो कंटेंट होता है, इसको लोग फॉलो कर रहे होते हैं, तो
आपने जो है ये ब्लू टिक जो है इस तरह से मिलता है। बहुत सारे लोग आपके पास आएंगे और आपको कहेंगे कि जी हमें इंस्टाग्राम पे ब्लू टिक जो है वो लेना है, हमें फेसबुक पे ब्लू टिक चाहिए, हमें यूट्यूब पे ब्लू टिक चाहिए। तो ये आप प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन इसकी कुछ रिक्वायरमेंट होती हैं और उन रिक्वायरमेंट के बाद ही आप किसी भी क्लाइंट को जो है ये दिला सकते हैं। ओके, यहाँ पर मजीद जो है आप लोगों को कंटेंट के हवाले से यहाँ बताती हूँ। जैसे कि एक तो मैंने आपको बता दिया कि आप लोग किस तरह से अपनी एक प्रोफाइल, एक अच्छी प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर कुछ स्क्रीनशॉट मैंने आपके साथ कल भी शेयर किए थे, आज फिर थोड़ा सा रिवाइज कर देती हूँ ताकि आप लोग जो है उन चीजों को फॉलो कर सकें, उन स्टेप्स को फॉलो कर सकें। अगर आप अपनी प्रोफाइल को जो है वो एक आपने जैसा साइन अप किया है अभी फॉर द टाइम, और आप मजीद इसको जो है वो बिजनेस प्रोफाइल बनाना चाहते हैं। अब पर्सनल प्रोफाइल क्या होती है, जिसमें आप एज अ यूजर, एज अ पर्सन आप काम कर रहे होते हैं, लेकिन अगर आप बिजनेस पर्पज के लिए उसको यूज करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका कंटेंट जो है वो ज्यादातर लोग देखें, और आप कोई प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, आपकी सर्विसेज सेल करना चाहते हैं, आप एज अ फ्रीलांसर काम करना चाहते हैं, तो आप जो है इस पे अपनी एक अच्छी सी प्रोफाइल क्रिएट करें। उसके बाद उस प्रोफाइल को जो है वो बिजनेस प्रोफाइल में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। उसका तरीका क्या क्या होता है कि यहाँ पर ये जो ऊपर मेन्यू आ रहा है, आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद जो है नेक्स्ट आपने, आपके पास ये वाली स्क्रीन आएगी जिसपे टॉप पे आपका यूजर नेम आ रहा होता है, नीचे सेटिंग का ऑप्शन होता है, सेटिंग के ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। सेटिंग के ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद जो है वो नेक्स्ट ये स्क्रीन आपके पास जो है आ रही होगी। इसमें जो है आपने अकाउंट का जो ऑप्शन है इस पे आपने क्लिक करना है। जब आप अपने अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो उसमें जो है यहाँ पर अगर आप नीचे देखें तो यहाँ स्विच टू पर्सनल अकाउंट आ रहा है। अगर आपका पर्सनल अकाउंट है, आपने न्यू अकाउंट क्रिएट किया है, तो आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा स्विच टू बिजनेस अकाउंट। तो आप फॉर द टाइम आप अपने अकाउंट को बिजनेस अकाउंट पे शिफ्ट कर दें, ताकि आप उसको जो है आप इस पे जितनी भी बिजनेस से रिलेटेड चीजें होती हैं, एक्टिविटीज होती हैं, रिक्वायरमेंट होती हैं, उन सबको आप इंप्लीमेंट करके आप खुद को टेस्ट कर सकें। बाद में आप दोबारा स्विच कर सकते हैं पर्सनल अकाउंट पे, बट फॉर द टाइम आप जो है आप अभी जो है इस चीज को करें कि आप प्रैक्टिस के लिए आप इसको ऐसे ही इसको स्विच कर लें आप बिजनेस अकाउंट पे। मजीद यहाँ पे ऑप्शंस हैं, ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट या इस तरह से नहीं है। ये अगर आप लोग खुद से ट्राई करेंगे तो होपफुली आप ये सारे जो चीजें हैं आप ये कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप इंस्टाग्राम के होम पे यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये जो ये वाली बार है, ये वाला टूल यहाँ पे आ रहा है, आइकॉन आ रहा है, इस पे आपने क्लिक करना है, तो ये आपके पास आ जाएगा जहाँ पे आप लोगों को फॉलो कर रहे होते हैं। जिन लोगों को आप फॉलो कर रहे होते हैं उनका डाटा, उनकी जो जो प्रोफाइल होती है, जो उनकी पोस्ट होती है, वो आपके पास यहाँ पे शो हो होती है। उसके अलावा एक और चीज जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है आप लोगों के लिए, न्यू यूजर्स के लिए, कि आपने यहाँ पे सर्च के जब आप यहाँ पे टैब पे क्लिक करेंगे तो पहले तो आपको रैंडम चीजें यहाँ पे शो हो रही होंगी। उसके बाद जो जो आप फॉलोइंग करते जाओगे, जैसे आपकी आपका इंटरेस्ट जिस चीज में ज्यादा होगा उसी से रिलेटेड ज्यादा चीजें आपको यहाँ पर शो होंगी। उसके साथ साथ ऊपर अगर आप देखेंगे तो वहां पे सर्च बार भी आ रही होगी। जब सर्च बार पे आप क्लिक करेंगे तो वहां पे आप किसी का नाम लिख के, किसी ब्रांड नेम का नाम लिख के, किसी एक्टर का, किसी भी पर्सनालिटी का आप नाम लिख के जो है उसको सर्च कर सकते हैं। और आप सर्च करेंगे तो उसके नीचे जो है जिस तरह से फेसबुक पे या किसी भी अदर प्लेटफॉर्म पे जो है वो आपको प्रोफाइल शो हो रही होती है, डिस्प्ले हो रही होती है, आपके पास जो है वो डिस्प्ले में उसी तरह से प्रोफाइल आ जाएंगी।
ओके, तो यहाँ पर जो है ये आपको वहां पे जाके आप लोगों को फाइंड कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो है ये आपको ऊपर टॉप पे लोगों की स्टोरीज जो है वो मिल रही होती हैं। स्टोरीज जो है वो आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे प्लस पे आप क्लिक करके, जहाँ पे आपकी इमेज शो हो रही होती है, प्रोफाइल पिक्चर शो हो रही होती है, आप यहाँ पे क्लिक करके आप स्टोरी ऐड भी कर सकते हैं। और अगर आप उस स्टोरी के बाद आपने दोबारा स्टोरी ऐड करेंगे तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और देन आप अगेन जो है इस पे स्टोरी ऐड कर सकते हैं। अब जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि अभी कुछ महीना पहले जो है वो फेसबुक अपडेट हुआ है, फेसबुक में जो है वो बिजनेस सूट का जो इजाफा हुआ है, उसमें क्या होता है कि वो आपके इंस्टाग्राम और फेसबुक के जो अकाउंट्स होते हैं उनको मर्ज करके लेके चल रहा होता है। इवन कोई आपको इंस्टाग्राम पे मैसेज करता है तो आप वहां से भी चेक कर सकते हैं, तो वहां से रिप्लाई भी कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी चीज है जिसको आप लोग फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर मजीद कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगी कंटेंट के हवाले से, जैसे कि अभी भी एक आपने यहाँ पे कमेंट आया हुआ है कि हाउ वी कैन इंक्रीज आवर फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम। आप किस तरह से आप अपने इंस्टाग्राम पे जो है फॉलोअर्स इंक्रीज कर सकते हैं, उसका बहुत ही आसान सा तरीका है। एक तो ये कि आपने अपनी प्रोफाइल को एक्टिव रखना होता है। एक्टिव रखने का जो मकसद है, ये मतलब है वो आप ये देखें कि आपने उस पे जो है ऐड करना है या उस पे जो है आपने चीजें लिखनी है, वो कंटेंट जो है वो आपका चेंज होना चाहिए। आप रोज जो है वो एक पोस्ट लगाएं, रोज एक पोस्ट जो है वो डिजाइन करके आप उस पे ऐड करते जाएं। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास बहुत सारा मटेरियल है। जरूरी नहीं कि आपने अपनी तस्वीरें ही लगानी है, आप कोई भी कोड देखें, ठीक है, आप कोई कोड देखें उसको इस तरह से जो एक पोस्ट क्रिएट करें, आप एजुकेशन से रिलेटेड कोड निकाल लें, आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, हजारों के नंबर्स में मिल जाएंगे। आप सक्सेस से रिलेटेड कोड निकाल लें, आपको हजारों के नंबर्स में मिल जाएंगे। बहुत सारे लोग आपके वहां से कॉपी करेंगे, शेयर करेंगे, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आएगा आपको। तो आप वो चीजें फॉलो कर सकते हैं। बाकी जो है मजीद आपके पास जो है यहाँ पर डिफरेंट हैशटैग होते हैं, उनको आपने यूज करना होता है। मटेरियल तो आपने यहाँ से डिजाइन कर लिया, और अगर आप अपनी फॉलोइंग इंक्रीज करना चाहते हैं, फॉलोअर्स बढ़ाना चाहते हैं, तो बहुत आसान तरीका है। एक तो आप अपनी प्रोफाइल को प्रॉपर लेके चले, कि जिस तरह से यहाँ पे मैंने एक आपको अभी दिखाई है प्रोफाइल, ये एक मैंने बहुत एक रेंडम सी ली है प्रोफाइल जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि इस पर अच्छा काम हो रहा है और काफी डिटेल्ड है अगर आप इसको विजिट करते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पर जो है प्रोफाइल पिक्चर जिस तरह से आप देख रहे हैं एक प्रॉपर होनी चाहिए, आपका यूजर नेम प्रॉपर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके यूजर नेम में जो है वो नंबर भी आ रहे हैं, स्पेलिंग भी आ रहे हैं और वो सारा कुछ है। उसके बाद यहाँ पे आपका कंप्लीट नेम जो है वो ऊपर शो हो रहा होता है। उसके बाद यहाँ पे आपका बायो में जो है, जिस तरह से अगर मैंने आपको यहाँ पर दिखाया भी था कि अगर आप प्रोफाइल एडिट पे क्लिक करते हैं तो आपके पास जो है ये वाली स्क्रीन आ रही होती है, ठीक है। ये स्क्रीन जब आपके पास डिस्प्ले हो रही होती है, आपके पास आ रही होती है, तो यहाँ पे चेंज प्रोफाइल फोटो का भी ऑप्शन आ रहा होता है, फुल नेम का भी आ रहा है, यूजर नेम का भी आ रहा है, वेबसाइट का भी आ रहा है, बायो में जो है वो आप कंटेंट भी लिख सकते हैं, हैशटैग भी ऐड कर सकते हैं। तो अब आपने उसको करना है कि आप किस तरह से जो है उसमें चीजों को एडजस्ट करते हैं। अब यहाँ पर एक और चीज जो कि मैंने आपको बताई है कि एक तो ये चीजें प्रॉपर करें, उसके अलावा आप अपनी पेज को जो आपका इंस्टाग्राम का पेज है उसको हमेशा जो है वो एक्टिव रखें। एक्टिव रखने का मतलब ये है कि आप रोज उस पर जो है वो पोस्ट ऐड करें। ज्यादा अगर कर सकते हैं तो ज्यादा कर लें, यानी कि एक दिन में दो पोस्ट तीन पोस्ट ऐड कर लें, लेकिन एटलीस्ट कम से कम एक पोस्ट जरूर ऐड करें। और उसमें डेली के जो हैशटैग होते हैं, कंटेंट होता है, वो चेंज ऐड करें। ये नहीं कि कॉपी करके हैशटैग जो है वो बना लिए, मैं वही कॉपी करके यूज किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, उस पर आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। अगर आप हैशटैग डिफरेंट यूज करोगे तो आपकी फॉलोइंग ज्यादा जल्दी इंक्रीज होगी। उसके साथ साथ एक और चीज यहाँ पर मैं ऐड करूंगी कि आपने जो कंटेंट ऐड करना है या कंटेंट जो है वो पब्लिश करना है, उसको पब्लिश करने का, या आप कहेंगे कि कितने अरसे में मेरे फॉलोअर्स जो है वो इंक्रीज हो सकते हैं, ज्यादा हो सकते हैं, 1,000 2,000 में करना चाहता हूँ, 3,000 करना चाहता हूँ, ऑर्गेनिक, वो लोग जो आपको खुद आके करेंगे, आपने कोई भी पैसे नहीं लगाने हैं, आप फ्री में जो है उसको फॉलोअर्स इंक्रीज करने का जो तरीका होता है वो यही है कि आप उसपे कंटेंट अच्छा ऐड करें, डेली एक्टिव करें अपनी प्रोफाइल को, आपके फॉलोअर्स जो हैं वो बहुत स्पीडली जो है वो इंक्रीज होंगे।
ओके यहाँ पर जो है मैंने अपनी प्रोफाइल ओपन की है ताकि आप लोगों को ये भी थोड़ा सा जो है वो चीजें दिखा सकूं। अगर आप यहाँ पर देखें तो अभी मैंने जो है पोस्ट नंबर ऑफ पोस्ट जो है मेरी 42 है और मैं बहुत कम जो है पोस्टिंग ऐड करती हूँ। मैं बिल्कुल भी रेगुलर बेस पे जो है वो अपनी प्रोफाइल को एक्टिव नहीं कर रही होती हूँ। बट एक और चीज यहाँ पे मैं मेंशन करूंगी, अभी यहाँ पर जो है मेरे 762 फॉलोअर्स हैं और एक कुछ अरसे से जो है वो इस तरह से है कि बहुत स्पीडली इंक्रीज हो रहे हैं। अगर आप यहाँ पर मैंने स्क्रीनशॉट लगाए हुए हैं कि कुछ अरसा पहले के हैं, तकरीबन कुछ महीना 2 महीने पहले के हैं स्क्रीनशॉट यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर 317 जो है वो फॉलोअर्स थे। बट विद इन मंथ 2 मंथ्स जो है वो मेरे फॉलोअर्स खुद ब खुद ही बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए हैं, बहुत ज्यादा लोगों ने जो है फॉलो करना शुरू कर दिया है। तो इवन मैं कंटेंट बहुत ज्यादा ऐड नहीं कर रही हूँ, कंटेंट मैंने बहुत कम ऐड किया हुआ है, मगर रीजन क्या है कि उसके ऊपर अब लोग जो है शायद कुछ हैशटैग की वजह से जो है वो लोग उसको ज्यादा देख रहे होते हैं। और फॉलोइंग जो है वो खुद ब खुद इंक्रीज होती जा रही होती है। तो आप इन चीजों को देख सकते हैं, अगर आप अपनी एक अच्छी प्रोफाइल क्रिएट कर लेते हैं और उस पे प्रॉपर चीजें ऐड करते हैं और फिर आप देखिएगा कि आपकी प्रोफाइल जो है वो डे बाय डे खुद ब खुद जो है उस पे फॉलोइंग इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। आपने अपनी तरफ से जो है वो एफर्ट करते रहना है, चीजें ऐड करते रहें, जो भी कंटेंट होता है वो ऐड करते रहें, तो इस पे अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि रिजल्ट नहीं मिलते हैं, अच्छे रिजल्ट आपको मिल जाते हैं। अगर आप इसके ऊपर बहुत एक्टिवली काम करोगे देन आपको इस पे अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं। कोशिश क्या करें कि आप लोग रेगुलर बेसिस पे जो है इसको कंटिन्यू करें, देन आपको जो है वो इस पे। अच्छा जी, आपने कहा है कि मेरे पास पुराना आपका जो अकाउंट है, बट बिल्कुल आप अपना पुराना जो अकाउंट है उसको यूज कर सकते हैं। ओके, प्रोफेशनल अकाउंट आ रहा है या बिजनेस अकाउंट आ रहा है आप उस पे स्विच कर लो। प्रोफेशनल या फिर अगर बिजनेस का ऑप्शन आ रहा होता है तो आप उस पे कर लें, कोई मसला नहीं है। बिजनेस पे कैसे स्विच होगा, मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि आप अपनी अगर सेटिंग्स में जाते हैं तो सेटिंग में यहाँ पर आपने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके पास ये स्क्रीन आती है ना इस तरह की, यहाँ पे क्लिक करना है, सेटिंग्स पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे सेटिंग्स में आने के बाद जो है वो आपने ये अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे जब आप, अकाउंट का ऑप्शन है तो यहाँ पे लास्ट पे इस तरह से जैसे स्विच टू पर्सनल अकाउंट है, मे बी यहाँ पे प्रोफेशनल अकाउंट हो या बिजनेस अकाउंट होगा उस पे आपने क्लिक करना है, वो आपका बिजनेस प्रोफाइल में कन्वर्ट कर देगा आपकी प्रोफाइल को। और ये सर्विसेज आप लोग जो हैं फाइवर पे सेल कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कि आप ही की तरह होते हैं जिनको आइडिया नहीं होता कि बिजनेस प्रोफाइल कैसे इंस्टाग्राम की जो है वो क्रिएट की जा सकती है। तो अगर आप यहाँ पर चेक करें तो बहुत सारे लोग जो हैं ये प्रोफाइल बिजनेस प्रोफाइल का जो है वो ऐड भी किया हुआ है कि जैसे आई विल क्रिएट इंस्टाग्राम बिजनेस प्रोफाइल, लेवल 2 सेलर हैं और ओके अगर आप यहाँ पर देखें तो इनका जो है स्टार्टिंग जो है वो $25 में करके दे रहे हैं, जिसमें क्या कर रहे हैं बेसिक पेज सेटअप करके दे रहे हैं, 2 स्टोरी हाइलाइट्स, ये जो यहाँ पर स्टोरी हाइलाइट्स आ रही हैं जैसे कि ये हैं इस तरह से ये ऐड करके देंगे। उसके अलावा क्या ऐड कर रहे हैं, क्या ऑफर कर रहे हैं,
आप लोग भी ये चीजें जो हैं वो ऐड कर सकते हैं। अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मुझे बार बार कह रहे होते हैं कि मैम हमसे जो है वो हम और की कैसे क्रिएट करें, चीजें जो है वो समझ में नहीं आ रही हैं और वो सारा कुछ, तो उसको जो है वो आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे कि वन पोस्ट ऐड की डिजाइन है, 5 हैशटैग है, 24/7 स्पोर्ट है, और कुछ प्लस बोनस कोई ऐड उसमें कर देंगे, और एक दिन के टाइम में जो है वो $25 में ये काम करके दे रहे हैं। इसमें एनालिटिक्स जो ट्रैक होता है वो खुद ब खुद होता है, बस वो आपने स्क्रीनशॉट लेके क्लाइंट के साथ शेयर करना होता है। उसके अलावा वेबसाइट इंटीग्रेशन में वेबसाइट का जो लिंक होता है, जैसे कि यहाँ पे आपको मैंने बताया कि प्रोफाइल में आप जाके ऐड कर सकते हैं, तो सेम आपने सिंपल वो ऐड करना है और वो आपका हो जाएगा। तो ये सारी चीजें होती हैं जो कि आप प्रोवाइड कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम बिजनेस का जो सेटअप के हवाले से है वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, लोगों को ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, जो कि कुछ भी ज्यादा नहीं है। बहुत ज्यादा चीजें उस तरह की नहीं है, बहुत सिंपल सी चीजें हैं, टू दी पॉइंट चीजें हैं। अगर आप इस पे काम करोगे तो आपको अच्छा जो है इसका बेनिफिट हो सकता है। और इवन जैसे कि मैंने पहले भी बात की थी कि अगर आप में से वो बच्चे जो कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि हम फेसबुक पे क्या पेज बनाएं, हम इंस्टाग्राम पे क्या पेज बनाएं, किस चीज से रिलेटेड बनाएं, और क्योंकि हमें समझ नहीं आ रही होती है, हमें हमें लग रहा होता है कि हम कुछ भी जो है वो बेहतर नहीं कर सकते हैं, तो आप एज अ फ्रीलांसर आप अपनी प्रोफाइल बनाएं, वो आप जो है वो अपना इंस्टाग्राम पे बना लें, फाइवर पे बना लें, और उसके बाद जो है आप वहां पे अपनी स्किल्स से रिलेटेड चीजें ऐड करें, आप पोस्टें ऐड करें इस तरह की जिसमें आप अपनी सर्विसेज के बारे में बता दें। जैसे आप एक गिग के लिए बैनर तैयार करते हैं जैसे कि यहाँ पर है, तो आप उसी तरह से वहां पे भी ऐड करें, आपके पास लोग आएंगे, आपको बिजनेस वहां से मिलेगा। एक और चीज यहाँ पे मैं अपना एक छोटा सा जो है वो पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करती हूँ आपके साथ, कि अभी कुछ अरसा पहले जो है वो मुझे इंस्टाग्राम से जो है वो एक पर्सन ने मुझे कांटेक्ट किया जो कि एक डिफरेंट कंट्री से था, यूरोपियन कंट्री से था, और मैंने उनसे पूछा कि आपको मेरी मेरा कांटेक्ट डिटेल आपने कहाँ से ली है, तो ही सेड कि मैंने आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल से जो है वो ली है। तो यहाँ पे कुछ अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पर कुछ हैशटैग ऐड किए हुए हैं जिसमें जो है वो आप देख सकते हैं कि मैंने डिफरेंट चीजें ऐड की हुई हैं। इवन यहाँ पे अगर आप देखें तो ये मैंने एक बैनर ऐड किया हुआ है जो कि ऑनलाइन क्लासेस का है, सोशल मीडिया इस तरह की पोस्ट, इस तरह की चीजें ऐड की हैं कि लोगों को आइडिया हो जाता है कि ओके फाइन, ये पर्सन जो है ये प्रोफेशनल है, ये काम कर रहा है और इसने इस तरह से चीजें मेंशन की हुई हैं, ऐड की हुई हैं। तो अगर आप लोग भी करेंगे अपनी प्रोफाइल्स के ऊपर चीजों को ऐड, तो ऑब्वियसली आपको अच्छे रिजल्ट इस पर मिलेंगे। अच्छा जी, आपको इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स इंक्रीज करने से क्या बेनिफिट होगा? पहली बात तो ये है कि आपको सबसे पहले बेनिफिट तो ये है कि आपने जब अपने फॉलोअर्स इंक्रीज कर लिए, आपको फॉलोअर्स ज्यादा हो गए हैं, तो दिस मीन कि आप जो भी चीज ऐड करती हैं वो ज्यादा लोगों को शो होगी, ज्यादा लोग आपको जो है आपके बारे में, आपकी सर्विसेज के बारे में जो है वो जान सकते हैं, आपके बिजनेस के बारे में जान सकते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ब्लॉगर हैं, मैं एक ब्लॉगर जो है उनका यहाँ पे प्रोफाइल भी आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आपको आइडिया हो सके कि ब्लॉगर्स जो है वो क्या करते हैं और वो उनके फॉलोअर्स वो ज्यादा क्यों कर रहे होते हैं, उससे उनको बेनिफिट क्या होता है, तो मैं आपके साथ जो है वो भी शेयर करती हूँ। ओके, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एक ब्लॉगर हैं जो कि डिफरेंट चीजों के बारे में, डिफरेंट
चीजों की मार्केटिंग के हवाले से जो है चीजें ऐड कर रही होती हैं, तो बहुत सारे लोग जो हैं इनके पास आते हैं और वो इनको अपनी कंटेंट दे रहे होते हैं कि आप हमारी पोस्ट लगा दें, और हमारी पोस्ट लगा के जो है जिस तरह से अगर आप यहाँ पे देखें तो इन्होंने ये जो यहाँ पे नीडो मल जो है उसके बारे में एक पोस्ट लगाई हुई है, तो ये स्पॉन्सर पोस्ट है। ऐसा नहीं है कि ये पोस्ट इन्होंने खुद ही इनको अच्छी लगी तो इन्होंने लगा दी। मकसद क्या है कि वो इन्होंने अपनी उनसे उन्होंने इनको पे किया होगा, या इनको जो है वो इसके हवाले से जो है वो कुछ कंटेंट भेजा होगा, और उसपे मोस्टली वो पे कर रहे होते हैं जब आपसे वो कंटेंट ऐड करवाते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखें तो ये ग्रॉसरी ऐप की जो है मार्केटिंग कर रही है, और यहाँ पे कुछ ग्रॉसरी आइटम है, और उसके अलावा इन्होंने जैसे कि यहाँ पर वो आपको बता रही है कि आप किस तरह से जो है वो चीजें यूज कर सकते हैं। इवन यहाँ पे अगर आप देखें तो ये क्या कर रही है कि यहाँ पर कुछ जो ऑलिव ऑयल से रिलेटेड, ऑलिव से रिलेटेड जो प्रोडक्ट हैं उनको जो है उनके बारे में जो है यहाँ पर बता रही है और पोस्ट ऐड की हुई है। तो आप अपने लाइफ स्टाइल से, आप अपनी चीजों से, आप अपने एक्सपीरियंस से लोगों को जो है वो ग्रैब कर सकते हैं अगर लोग आपको फॉलो करें। अब यहाँ पे अगर देखें तो इनके 108 जो है के फॉलोअर्स हैं, तो बहुत अच्छे फॉलोअर्स हैं इनके, काफी ज्यादा फॉलोअर्स हैं। तो वहां से क्या है कि इनको क्या होगा कि ये अपना जो है लोग इनको ज्यादा देख रहे होते हैं, लोग इनको फॉलो कर रहे होते हैं, तो ये बहुत सारी चीजों के बारे में, बहुत सारी प्रोडक्ट के बारे में जो है ये ऐड कर रही होती हैं, चीजें शेयर कर रही होती हैं, बहुत सारे ब्रांड्स जो हैं इनको ऑनबोर्ड करते हैं ताकि ये उनकी चीजें जो है वो प्रमोट कर सकें। हर कोई जो है यहाँ पे, अगर आप हैं, मैं हूँ, हमारे फॉलोअर्स तो बहुत कम है हमारा, क्योंकि हमारा मकसद कुछ उस तरह से नहीं होता। आपने अर्न करना है, आपने अर्निंग करनी है, उसका उसके लिए जो है अगर आप फाइवर पे जा रहे हो, आप बहुत सारी और चीजों पे जा रहे होते हो, तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे आप बहुत इजीली जो है वो लोगों को, आप लोगों के साथ कनेक्ट हो जाए, उसके बाद आप लोगों की चीजें प्रमोट करें, आप उनसे जो है वो अर्निंग्स ले सकते हैं, वो आपको पे करते हैं, आपको या तो आपको वो सैंपल भेज रहे होते हैं, या फिर वो आपको पैसे पे करते हैं कि आप उनका कंटेंट जो है वो शेयर करें, ऐड करें, ताकि उनकी जो है वो रीच ज्यादा हो। आपको लोग डेली बेसिस पे, क्योंकि आप अपनी रूटीन शेयर कर रहे होते हैं, आपको फॉलो कर रहे होते हैं, लेकिन अगर आप उनकी चीजें ऐड करते हैं उसमें, तो बहुत सारे लोग उनको भी विजिट कर रहे होते हैं, उनको भी फॉलो कर रहे होते हैं, तो उससे उनको फायदा होता है। तो ये सारी चीजें होती हैं कि हम क्यों अपनी जो है हमारे फॉलोअर्स इंक्रीज करने से क्या होता है। ओके आपका जो सवाल है काफी इंटरेस्टिंग है, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, और कल मैंने आपको गाइड किया था, आज भी मैं आपको दोबारा बता देती हूँ कि आप किस तरह से लिंक कर सकते हैं। पहले तो आप अपने फेसबुक पेज को इंस्टाग्राम पेज के साथ, और सेकंड जो आपने यहाँ पे सवाल किया कि फेसबुक पेज और पोस्ट जो पेज है और इंस्टाग्राम जो बिजनेस प्रोफाइल को एक साथ मैनेज किया जा सकता है, तो बिल्कुल किया जा सकता है। कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपके पहले सवाल का जो है वो भी जवाब देती हूँ। अच्छा जी, उसके बाद आपने लिखा है हाउ वी कैन, अच्छा जी, सबसे पहले तो ये है कि आपने कोशिश करें कि आप अपने पेज को प्रमोट करने है, जो प्रमोट करना है आपने, आप चाहते हैं कि आपकी फॉलोअर्स ज्यादा हो जाएं, आप अच्छा कंटेंट ऐड करो, ठीक है। कोई भी टॉपिक पकड़ लो, ये नहीं जरूरी कि आपने जो है वो सिर्फ और सिर्फ फ्रीलांसिंग का ही करना है, आपने फ्रीलांसिंग में ही चीजें ऐड करनी है, आप वो भी ऐड कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप बहुत ज्यादा आप आउटिंग जो है वो करते हैं आप, और आपको आउटिंग ज्यादा पसंद है, आप डिफरेंट जगहों पे जाते हो, आप वहां से रिलेटेड जो चीजें हैं, वहां से रिलेटेड जो पिक्चर्स हैं वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली यहाँ पर जो है ये ज्यादातर कंटेंट जो होता है वो आपका यहाँ पर जो है वो आप पिक्चर्स ऐड कर रहे होते हैं, हैशटैग ऐड कर सकते हैं, लोग उनको देखते, लोगों को वो अच्छा लगता है कि आप कोई भी चीज ऐड कर रहे हो, और लोगों को, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि ये सोशल मीडिया यूज कर रहे होते हैं जो घरों में होती हैं, खवातीन हो गई, बच्चियां हो गई हमारी, तो वो घरों से बाहर नहीं जा रही होती है, लेकिन जब उनको किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है, चीजें मिल रही होती हैं, तो वो उनको ज्यादा शौक से देख रही होती हैं।
उसके अलावा अगर आप ऑनलाइन कोई भी चीज मंगवाते हैं, आप उसका एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, आप जो है फूड के बारे में लिख सकते हैं, आप डिफरेंट जगहों पे जाके फूड ट्राई करते हैं, आप वो शेयर कर सकते हैं, आप अपनी रेसिपीज शेयर कर दें। तो कोई भी चीज है, कोई भी टॉपिक है जिसको जो है वो आप लोग ऐड करके प्रमोट कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पेड प्रमोशन का भी है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि पेड प्रमोशन किस तरह से आप लोग कर सकते हैं। तो उसको भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन जो एक ऑर्गेनिक पे है, जो एक जिसमें आपको पे नहीं करना पड़ता, विदाउट पेमेंट आपने जो है वो करना है। जैसे कि अगर मैं ये बताऊं कि ये प्रोफाइल जो है इनकी, ये क्या कर रही है कि इनका सिर्फ और सिर्फ ये पेड नहीं है, ये फ्री में इन्होंने अच्छा कंटेंट ऐड किया, लोगों ने इन्हें फॉलो किया, खवातीन इनको फॉलो करती हैं बिकॉज इनका डाइट प्लान बहुत अच्छे होते हैं, ये अच्छी डाइट और अच्छी टिप्स जो है वो लोगों को रिकमेंड कर रही होती हैं, ये अच्छी तरह से लोगों को कंटेंट को प्रेजेंट कर रही होती है कि ये मार्केटर हैं। दैट्स वाई भी ये जो है कंटेंट राइटर भी हैं, मार्केटर भी हैं, और एक एज अ जो है ब्लॉगर भी काम कर रही है इस टाइम पे। लाहौर में बहुत ज्यादा लोग जो है इनको रेकमेंड कर रहे होते हैं ब्लॉगिंग से रिलेटेड, मार्केटिंग से रिलेटेड। तो आप अपनी पहचान खुद बना रहे हो, यहाँ पर एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू जो है वो आप लोग लोगों के साथ कनेक्ट हो सकते हैं और जिससे आपको बेनिफिट होता है। बिल्कुल, आप कोई भी अच्छा सा जो है वो कंटेंट ऐड कर सकते हैं, किसी भी एक फील्ड से रिलेटेड उठाएं, कंटेंट ऐड करें और रेगुलर बेसिस पे एटलीस्ट 3 महीने जो है वो 90 डेज जो है वो आप लोगों ने अपना कंटेंट एक्टिवली जो है वो ऐड करना है, बगैर किसी जो है उसमें गैप के ऐड करें, डेली पोस्ट बनाएं, डेली पोस्ट ऐड करें, लोगों को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर आप, यहाँ पे आपने सर्च बार में लोगों को देखें, जैसे कि यहाँ पर अगर आपकी लॉगिन होगी तो आप देख सकते हैं, इनके फॉलोअर्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इनके फॉलोअर्स की लिस्ट आ जाती है, आप उन सबको फॉलो कर लें, उनको रिक्वेस्ट भेज दें, वो आपको बैक फॉलो कर लेंगे। तो उससे भी ये भी एक तरीका होता है जिससे आप अपने फॉलोअर्स इंक्रीज कर सकते हैं। उसके अलावा क्या होता है कि अगर आप अपने फॉलोअर्स इंक्रीज करना चाहते हैं, जो कि मैंने आपको बताया कंटेंट डेली ऐड करें, डेली कंटेंट जो है वो उस पर पब्लिश करते जाएं, नए नए हैशटैग यूज करें, अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पे आप इंस्टाग्राम ट्रेंडिंग हैशटैग जो है वो लिख के अगर सर्च करते हैं तो यहाँ पे आपको काफी सारी वेबसाइट्स हैं जो कि आपको प्रोवाइड कर रही होती हैं। आपने सिंपल लिखना है, लिखने के बाद जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि ये 25 मोस्ट पॉपुलर इंस्टाग्राम हैशटैग हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं। आपका कंटेंट किसी भी चीज से रिलेटेड है, आप ये हैशटैग जरूर यूज करें। उसके अलावा आप कोशिश करें कि नए हैशटैग डेली के ऐड करें, जैसे कि आज वेनेसडे है तो वेनेसडे का ऐड कर दें, मंडे का ऐड कर दें, ट्यूसडे का ऐड कर दें, जो भी दिन है उस हवाले से पोस्ट जरूर ऐड किया करें, आपकी जो हैशटैग ऐड किया करें, उससे आपकी जो रीच है, बहुत सारे लोग जो हैं वो उन हैशटैग्स को फॉलो कर रहे होते हैं, ना सिर्फ फॉलो कर रहे होते हैं बल्कि उससे रिलेटेड जो कंटेंट होता है वो उसको भी चेक कर रहे होते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर तो नहीं, बट मैं आपको यहाँ पे, जैसे कि अगर मैं ब्लॉगर ऐड करती हूँ या फ्रीलांसर का जो है हैशटैग है, इस पे मैं क्लिक करती हूँ, तो अगर आप देखें तो यहाँ पे बहुत सारे जो है पोस्ट होंगी। यहाँ पे अगर आप पोस्ट देखें तो ये कितनी ज्यादा पोस्ट हैं जो फ्रीलांसर हैशटैग के साथ जो है लोगों ने यूज की भी हैं, और इन्हीं चीजों को जो है वो बहुत सारे लोग, अगर किसी ने इस टॉपिक को फाइंड करना है तो वो इस पे लिख के सर्च कर सकता है और वो उसको जो है फर्दर उससे रिलेटेड कंटेंट देख सकता है। जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग का है तो इस पे आप देखेंगे तो बहुत सारे लोगों ने जो है इससे पोस्ट ऐड की होती है, तो उससे भी आपकी पोस्ट की जो रीच होती है वो ज्यादा हो जाती है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि आप देखेंगे गिग आप क्रिएट करते हो, आप गिग क्रिएट करने के बाद जो है आप देखते हो कि उस पर इंप्रेशन भी आ रहे होते हैं, क्लिक्स भी आ रहे होते हैं। तो इंप्रेशन क्या होते हैं, जैसे कि अगर इस हैशटैग के इंगेज्ड आपकी प्रोफाइल शो हो रही है पहले पेज पे, या उसके जो लोग उसको देखते हैं वो पिक्चर्स को जो है वो स्क्रोल कर रहे होते हैं, तो उससे क्या होता है वो रीच आपकी इंक्रीज हो रही होती है, और अगर उस पर कोई आके लाइक कर देता है, कमेंट कर देता है, तो देन उससे भी आपका जो है उसको आपको बेनिफिट हो रहा होता है कि आपका कंटेंट जो है वो प्रमोट हो रहा होता है।
आपने सिर्फ उसे कंटेंट को ऐड करें, आप उसको लेके चलें आगे फर्दर। उसके अलावा यहाँ पे जो हाइलाइट्स हैं स्टोरीज वो जरूर ऐड किया करें। इसमें जिस तरह से अगर आप यहाँ पर देखें, मैंने दो ऐड की दी हैं जिसमें एक इवेंट की है, एक उसके अलावा मैंने यहाँ पर जो है वो थॉट्स की ऐड की, जिसमें कुछ कोड्स हो सकते हैं आप भी ऐड कर दें मजीद, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं होती हूँ अपनी प्रोफाइल पे, मैं बहुत ज्यादा कंटेंट ऐड नहीं कर रही होती हूँ। तो मेरा तो ये, क्योंकि मुझे मेरे लिए इतना ज्यादा, मैं इस प्रोफाइल का यूज नहीं करती हूँ, या मैं इसको कहा जाए कि मैं कोई बिजनेस प्रोफाइल है मेरी, मैं आपको करवाने के लिए प्रैक्टिस, या मैं पर्सनल यूज के लिए इसको यूज कर रही होती हूँ, उसके अलावा नहीं। लेकिन अगर आपका कोई बेनिफिट आप लेना चाहते हैं यहाँ से, आप अर्निंग करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आजकल अगर आप देखें तो इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा आपको ब्लॉगर्स मिलेंगे जो इंस्टाग्राम से अर्निंग कर रहे हैं। अर्निंग कैसे कर रहे होते हैं कि वो लोगों को, पहले तो उनकी फॉलोइंग ज्यादा होगी, अगर आपको कोई जानता ही नहीं है तो कोई भी ब्रांड आपको ऑनबोर्ड कैसे करेगा। बहुत सारे क्लोथिंग ब्रांड जो हैं वो अपनी प्रोडक्ट, अपनी चीजें, अपने जो कलेक्शंस आती हैं वो आपको भेजेगा कि आप लोगों को कहें कि हमारी कलेक्शन बहुत अच्छी है, आप हमारी कलेक्शन को बाय करें। तो तभी कहेंगे जब लोग आपको फॉलो कर रहे होंगे, जब आपको कोई जानता ही नहीं तो लोग आपसे क्यों मार्केटिंग कर पाएंगे। तो ये भी एक चीज है, एक तरीका है जिसमें आप मार्केटिंग कर सकते हैं। और हैशटैग जो है वो कोशिश करें कि आप लोग न्यू हैशटैग और ज्यादा हैशटैग यूज करें, क्योंकि जब आप इंस्टाग्राम पे पोस्ट ऐड करते हैं तो उस पोस्ट का जो कंटेंट होता है वो आपको टेक्स्ट की फॉर्म में मिल रहा होता है। आप उसके ऊपर अगर आप उसमें लिंक ऐड करते हो तो वो क्लिकेबल नहीं होता, लेकिन जो हैशटैग होता है वो आपका क्लिकेबल होता है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पर अगर यहाँ पे मैं टेक्स्ट ऐड करती तो ये टेक्स्ट जो है वो क्लिकेबल नहीं होता, लेकिन जो हैशटैग है वो क्लिकेबल होते हैं। तो आप अगर इस पे ऐड करते हैं अपना हैशटैग इस पे ऐड कर देते हैं तो उससे वो क्लिकेबल होता है, और क्लिकेबल चीजों से जो है वो अगर हैशटैग में किसी और ने यूज किया हुआ है और आपने भी वो सिमिलर हैशटैग यूज किया होता है तो वो आपकी रीच को ज्यादा कर देता है, आपके कंटेंट को ज्यादा कर देता है। ओके इंशाल्लाह जी, मैं आपको प्रिंटेस्ट भी करवा दूंगी, और अभी क्योंकि स्टेप बाय स्टेप लेके चीजों को चल रहे हैं हम, तो आपको इंशाल्लाह मैं करवाऊंगी। अच्छा जी, आपने क्या अगर आप खुद बना के ऐड करते हो तो उसका ज्यादा बेनिफिट है। उसके अलावा आप ऐसे, आप अगर किसी ऐसा टॉपिक है आपका जिसमें आप, यानी कि जिस तरह से इंटरटेनमेंट से रिलेटेड है, आप टीवी की न्यूज वगैरह ऐड कर रहे हैं तो उसमें आप कर सकते हैं, उससे कोई मसला नहीं होता। लेकिन ज्यादा बेहतर है कि आप अपना कॉन्टेंट खुद बना के ऐड करो। हैशटैग क्या होते हैं? हैशटैग वो टैग्स होते हैं जो कि क्लिक हो सकता है। आप देखें तो आपको बहुत सारे लोग जो हैं वो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और अदर प्लेटफॉर्म जो जैसे हैं उन पे जो है वो लोग आपको मिलते हैं जो कि हैशटैग ऐड कर रहे होते हैं, और उन हैशटैग्स की मदद से जो है वो आप डिफरेंट कंटेंट को फाइंड कर सकते हैं। आप कोई भी यहाँ पे टेक्स्ट लिख रहे हो, जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखें फेसबुक का ये टेक्स्ट ऐड हुआ हुआ है, इसमें जो यहाँ पे टेक्स्ट ऐड हुआ हुआ है ये क्लिकेबल नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे कोई हैशटैग ऐड कर देते हैं हम, तो वो क्लिकेबल होता है, जैसे कि ये टेक्स्ट क्लिकेबल है, ये भी लिंक है, ये भी लिंक है, और अगर हैशटैग इसमें ऐड कर दें तो वो भी क्लिकेबल होता है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको उससे फर्दर रिजल्ट्स मिल जाते हैं। तो इस तरह से होता है, ऐसा नहीं है कि आपने उसको जो है वो आपको कोई बेनिफिट नहीं होता। हैशटैग जो है वो टैग्स होते हैं जिस जो कि आप जिनको क्लिक कर सकते हैं। उसके अलावा एक और चीज, यहाँ पे आपने हैशटैग फाइंड करने के लिए आपके पास बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। अगर आप यहाँ पर आते हैं, मैंने जैसे लिखा है इंस्टाग्राम ट्रेंडिंग हैशटैग्स जो है, आप इंस्टाग्राम टूडे टॉप या ट्रेंडिंग हैशटैग लिख के सर्च कर सकते हैं, आपको काफी सारी वेबसाइट मिल जाती हैं। besthashtag.com है, उसके अलावा अदर वेबसाइट्स हैं जहां पे जाके आप बहुत अच्छे अच्छे से जो है वो हैशटैग फाइंड कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे बात करें ये besthashtag.com की, तो यहाँ पे इवन आपको बहुत सारे टॉपिक मिल जाते हैं जिनसे रिलेटेड आपको हैशटैग
भी आप जो है वो फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप एक और चीज देखें, ओके, ट्रेंडिंग का जो यहाँ पे परसेंटेज है कि कितने परसेंट जो है वो ट्रेंडिंग में है, उससे क्या आपका इम्पेक्ट हो सकता है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, लव है, वायरल है, बहुत सारे हैशटैग ऐसे हैं जो कि आप यूज करके जो है जिससे आपका कंटेंट ज्यादा हो सकता है, उसकी उसकी रीच ज्यादा हो सकती है, ज्यादा लोग उसको फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि लोग मोस्टली उस चीज को यूज कर रहे होते हैं। बिल्कुल, आपने पोस्ट के अंदर जो है वो आपने यूज करना होता है, ये हैशटैग जो है वो आपने पोस्ट में ऐड करने होते हैं। आप अपनी प्रोफाइल पे तो डेली चेंज नहीं कर सकते ना, या उसमें तो बेसिक से आपने इंफॉर्मेशन ऐड करनी होती है, लेकिन आप अपनी पोस्ट में जो है वहां पे टेक्स्ट का ऑप्शन होता है, वहां पे आप ये हैशटैग ऐड कर सकते हैं। जी, आप लोग हैशटैग भी क्रिएट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे फ्रीलांसर पे जो है सॉरी फाइवर पे जो है वो आप हैशटैग क्रिएशन की जो सर्विसेज है वो भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। इंस्टाग्राम हैशटैग है, इंस्टाग्राम हैशटैग रिसर्च है, आप हैशटैग रिसर्च का जो गिग है वो क्रिएट करके यहाँ पर आप अर्निंग कर सकते हैं। और इवन अगर आप देखते हैं यहाँ पर आपने बहुत सारी यहाँ पे सर्विसेज हैं जो कि आप देखते हैं, इंस्टाग्राम हैशटैग है, उसके अलावा इंस्टाग्राम हैशटैग रिसर्च है, ये कीवर्ड्स हैं, और इन पे अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा लोग काम नहीं कर रहे, बहुत कम है, कंपटीशन ज्यादा नहीं है, आप ये काम करके दे सकते हैं। और एक और चीज यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपने यहाँ पे हैशटैग देखे हैं, ये हैशटैग है जिन पे बहुत ज्यादा अच्छी ट्रैफिक आ रही होती है, ट्रेंडिंग हैशटैग ये चल रहे हैं, आप इन हैशटैग्स के साथ कुछ और हैशटैग ऐड करें और आप क्लाइंट्स को वो फाइंड करके दे सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा ये सर्विसेज बाय कर रहे होते हैं, लोगों को नहीं समझ में आ रहा होता कि हम कौन से अच्छे हैशटैग हैं जो कि हम यूज कर सकते हैं अपने इंस्टाग्राम पे। और इवन यहाँ पे जितना भी आ रहा है वो ज्यादा यही आ रहा है कि इंस्टाग्राम के लिए जो है वो आप हैशटैग फाइंड करें, क्योंकि इंस्टाग्राम पे अगर आप ग्रो करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके फॉलोअर्स ज्यादा हों, आपकी रीच ज्यादा हो, तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप हैशटैग जो है वो इसमें अच्छे हैशटैग यूज करें। अच्छा जी, जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पे नॉन फॉलोअर्स जो व्यू है 85% है इनका, और यहाँ पे देखें तो इम्प्रेशन में ये इम्प्रेशन आ रहे हैं, और फ्रॉम हैशटैग इम्प्रेशन का मैंने आपको तरीकाकार बताया था इम्प्रेशन क्या होता है और उसके बाद क्या आपने चीजें देखनी है। जैसे कि यहाँ पर देखें तो इनका हैशटैग के थ्रू सबसे ज्यादा जो है वो इम्प्रेशन आ रहा होता है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप यहाँ पे फ्रीलांसिंग या ट्रेनर पे या ब्लॉगर पे या आप डिजिटल मार्केटिंग का हैशटैग पे क्लिक करते हैं तो आपको इतनी ज्यादा पोस्ट मिल जाती हैं, तो जब वो कोई भी हैशटैग पे क्लिक करता है तो उसमें जो वो हैशटैग जहां जहां पे भी यूज हुआ होता है उन सब जो पोस्ट होती है उन सब पे इम्प्रेशन चला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है मजीद अगर आप देखें तो यहाँ पे इनकी ये गिग है, गिग का कंटेंट है, इसको आप देख सकते हैं, इसमें बहुत ज्यादा उस तरह से नहीं है चीजें, बेसिक सी चीजें हैं। उसके अलावा यहाँ पे हैशटैग का देखें तो 30 हैशटैग जो है फॉर योर पेज वो करके दे रहे हैं, एक्शन प्लान है, रिपोर्टिंग है, और बेसिक ये चीजें होती है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आप कहें कि बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। तो आप जो है इस तरह से हैशटैग जो है वो लोगों को सर्च करके दे सकते हैं, इसकी भी एक बहुत ज्यादा डिमांड में सर्विसेस होती है। अगर आप देखें तो यहाँ पर ये आपने क्लाइंट की कोई भी प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड कोई अच्छा कीवर्ड अच्छा हैशटैग फाइंड करके देना होता है जिससे उसकी रीच जो है वो ज्यादा हो जाए उसके कंटेंट की। तो ये सर्विसेज भी आप लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, बहुत बेस्ट है, बहुत बेहतर है अगर आप इसको आगे फर्दर लेके चलते हैं।
फ्रीलांसर का लिंक भी कब तक सबमिट करवा सकते हैं जी? आप कोशिश करें कि आप फ्राइडे तक सबमिट करवा दें। अगर फ्राइडे नहीं होता आपका, तो आप नेक्स्ट वीक जो है मंडे तक जो है वो उसको सबमिट करवा दें एटलीस्ट। अच्छा जी, मैक्सिमम कितने आप उसमें ऐड कर सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। एटलीस्ट कोशिश करें कि आपके 30 to 40 जो है वो हैशटैग जरूर हो। अगर आप उसको यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं अपनी पोस्ट में, तो 30 से 40 जो है वो जरूर ऐड करें। आपके इंटरनेट का इशू है बेटा, आपके पास बाकी ऐसे किसी के पास भी ये इशू नहीं आ रहा। अगर आ रहा होता है तो वो आप लोग यहाँ पे जो है वो कमेंट करके कि आप लोग मुझे उस हवाले से बता चुके होते हैं। अगर सिर्फ आपके पास आ रहा है तो आपके इंटरनेट का इश्यू हो सकता है। नेट आपने कहा ठीक है, लेकिन बेटा आप चेक कर लो एक दफा दोबारा से। बिल्कुल, हैशटैग तभी आप ऐड कर सकते हैं जब आप कोई पोस्ट ऐड करते हैं। अच्छा जी, कैसे हैशटैग ऐड करते हैं मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर कि आपने किस तरह से इसको लेके चलना है। अच्छा जी, सबसे पहले तो आपने जो मुझे एक सवाल कहा था, मैं पहले भूल गई, आपका आया था कि कैसे लिंक करना है फेसबुक अकाउंट को, कैसे लिंक करना है इंस्टाग्राम अकाउंट के साथ। अकाउंट जो होता है वो आपकी फेसबुक का पेज होता है, फेसबुक का जो बिजनेस पेज आपने क्रिएट किया होता है, आप उसको लिंक कर सकते हैं अपने इंस्टाग्राम के बिजनेस पेज के साथ। आपने क्या करना है, सिंपल अकाउंट का जो ऑप्शन है, सेटिंग के ऑप्शन में अगर आप आते हैं तो यहाँ पे अकाउंट के ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पर जो है आपके पास ये ऑप्शन आता है लिंक्ड अकाउंट का। लिंक्ड अकाउंट्स पे जो है वो आप क्लिक करते हैं जब, तो आपके पास यहाँ पर यहाँ पे लिंक्ड अकाउंट्स में जो है वो आपके पास फेसबुक, ट्विटर एंड देन अदर सम जो है यहाँ पे सोशल मीडिया अकाउंट्स आ रहे होते हैं। आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पे आप जिस तरह से इंस्टाग्राम का है आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है वो ओपन होगा, आपको कहेगा यूजर नेम एंड पासवर्ड। आपने अपने फेसबुक का यूजर नेम और पासवर्ड देना है जिस पे आपका वो पेज बना हुआ है। उसके बाद वो आपको कहेगा कि आप इसमें से पेज सिलेक्ट करें कि आपने कौन सा पेज लिंक करना है। अगर आपके पास एक से ज्यादा पेजेस हैं आपने फेसबुक पे क्रिएट किए हुए, तो उसमें से वो पेज आपने चूज करना है जिसको आपने लिंक करना होता है। और उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद जो है आई थिंक सो नेक्स्ट एक दो स्टेप आते हैं जिसमें आपने येस करना होता है, ओके करना होता है, और उसके बाद आपका वो लिंक हो जाता है। बहुत सिंपल है, आप बहुत इजीली जो है इसको उसके साथ लिंक करवा सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट आपका जो सवाल है कि हम कंटेंट कैसे ऐड करेंगे, पोस्ट कैसे ऐड करेंगे और उसको जो है वो किस तरह से आगे फर्दर लेके चलेंगे। मैंने यहाँ पर आपके साथ एक बात की थी कि अगर आप मिड में देखें, 1 मिनट, ओके, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपके पास की जो है ये आइकॉन शो हो रहा होता है ये प्लस का, और ये ऑल द टाइम आपको शो हो रहा होता है जब आप अपने काम कर रहे होते हैं, अपनी प्रोफाइल पे होते हैं, या आप अपने होम यहाँ पे जो है टाइमलाइन पे होते हैं, तो ये आपके पास जो है ये ऑल द टाइम जो है ये डिस्प्ले हो रहा होता है ये आइकॉन प्लस का। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके पास जो है ये वाली टैब जो है ये वाला पेज जो है ये ओपन होगा कि आपका कैमरे का जो है आपके पास जो गैलरी होती है वो ओपन हो जाती है। उसमें आपने गैलरी में से कोई पिक्चर सिलेक्ट करनी होती है, पिक्चर सिलेक्ट करने के बाद जो है उसको आपने नेक्स्ट करना होता है। नेक्स्ट करने के बाद जो है आपने यहाँ पर न्यू पोस्ट का जिस तरह से ये ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे आपने हैशटैग ऐड करनी है या टेक्स्ट ऐड करना है। आप अगर किसी को टैग करना चाह रहे हैं तो आप वो कर सकते हैं। उसके अलावा लोकेशन ऐड कर सकते हैं कि आपकी लोकेशन क्या है। उसके अलावा आप इसको आल्सो पोस्ट टू फेसबुक, अगर आप फेसबुक पे भी ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से आपने इस बटन को जो है वो यहाँ पे क्लिक करेंगे आप तो ये ब्लू हो जाएगा। इट्स मीन के जो कंटेंट आप यहाँ पे शेयर करेंगे वो कंटेंट जो है वो आपका फेसबुक पेज पे भी उसी टाइम पे शेयर हो जाएगा। तो ये एक तरीका कार है जिसमें हम अपने
इंस्टाग्राम के पेज को जो है वो लिंक करते हैं, लिंक करने के बाद जो है कंटेंट को एक ही टाइम पे दोनों प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सकते हैं, और उसके अलावा आप कंटेंट जो है वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे टैग से ऐड करने के बाद अगर आपने किसी को टैग करना है आप कर सकते हैं, उसके अलावा यहाँ पे आपने लोकेशन ऐड करनी है वो आप कर सकते हैं। आप इसको यहाँ से क्लिक कर देंगे तो वो आपके उस पेज पे जो आपका फेसबुक का पेज है उस पे भी पोस्ट कर देगा, और यहाँ पे शेयर पे क्लिक करना है आपने। उसके बाद आप देखिएगा आपकी प्रोफाइल पे वो पोस्ट ऐड हो जाएगी। तो पोस्ट और मैंने आपको स्टोरी के हवाले से बता दिया है, इसको मजीद आप लोगों ने प्रैक्टिस जरूर करना है। ओके ठीक है बेटा, मैं आपकी चेक करती हूँ थोड़ी थोड़ी देर तक चेक करती हूँ। अच्छा जी, आपने कहा है 30 मिनट कोचिंग मींस यानी कि वो टेलीफोन पे या किसी मीडियम के थ्रू अपने क्लाइंट से ना उसके बिजनेस के बारे में मालूम करेगा और उसको उसके बाद उसको गाइड करेगा कि आप इसको मजीद किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, आफ्टर नॉट 1 मिलियन अगर आपके पास 10,000 20,000 भी फॉलोअर्स हैं और आपको बड़ा अच्छा रिजल्ट आ रहा है, आप लोगों के साथ जो है वो कनेक्ट हैं, लोग आपको फॉलो कर रहे हैं और वो एक्टिव यूजर हैं, तो आप तभी भी बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत कुछ करने का मतलब ये होता है, अर्निंग का मतलब ये होता है, आप कोई चीज सेल कर सकते हैं, आप कोई सर्विसेज सेल कर सकते हैं, आप किसी की कोई चीज बेच सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं, तो उससे भी तो आप कमा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपके 1 मिलियन फॉलोअर्स हो जाएंगे एंड देन आपको जो है वो इंस्टाग्राम पे करना शुरू कर देगा। इंस्टाग्राम आपको पे नहीं कर रहा होता, आपने उसके लिए खुद चीजों को लेके चलना होता है आगे फर्दर। काइंडली चेक फाइवर आईडी प्लीज। ओके मैं आपकी करती हूँ, मुझे आप अपना नंबर बता दें, जो सीरियल नंबर है आपका। आप इसमें रैंडम से मतलब यह है कि ट्रेंडिंग हैशटैग ऐड कर सकते हैं और कंटेंट से रिलेटेड भी ऐड कर सकते हैं, दोनों को करें ज्यादा बेहतर है आपके लिए। बिल्कुल, जब आपको क्लाइंट कहता है कि आप मुझे जो है वो इंस्टाग्राम की आईडी क्रिएट कर दें या बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट करके दे दें, तो उसके लिए जो आईडी रिक्वायर्ड होती है या तो आप खुद उसको क्रिएट करके दोगे न्यू, या फिर वो आपके साथ पासवर्ड और ईमेल एड्रेस शेयर कर देता है, तो आप उसको यूज करते हुए प्रोफाइल क्रिएट करके उसको दे दोगे, क्योंकि आपके पास ईमेल वेरिफिकेशन होती है, ईमेल वेरिफिकेशन के बाद ही आपका अकाउंट क्रिएट होगा ना, तो उसके लिए। ओके, अब यहाँ पर आपके कुछ बच्चों की आए है प्रोफाइल्स के हवाले से कि प्रोफाइल रिव्यू कर दूं, और यहाँ पर जो है मैं सिर्फ कुछ बच्चों की ही प्रोफाइल रिव्यू करूंगी, मैं सबकी नहीं करूंगी क्योंकि टाइम भी कम है और मैं इस टॉपिक को वाइंड अप करना चाह रही हूँ। यहाँ पे मैं एक चीजें आपके साथ शेयर कर देती हूँ, सबसे पहले कि इस टॉपिक के हवाले से जो चीजें हैं मैं उनको ऐड कर दूं। ओके, मैं आपकी प्रोफाइल भी देख दूंगी और आपका जो है अकाउंट भी चेक कर दूंगी बेटा। ओके, सबसे पहले इस टॉपिक को हम वाइंड अप करते हैं। यहाँ पे आपको मैंने पोस्ट करने का जो मेथड होता है वो भी बता दिया, आपने किस तरह से जो है वो पोस्ट ऐड करनी है। जब आप पोस्ट ऐड कर लेते हैं और पोस्ट ऐड करने के बाद जो है अगर आप देखें यहाँ पर जिस तरह से मैंने पोस्ट ऐड की हुई है, आप जब अपनी बिजनेस प्रोफाइल के ऊपर ऐड करते रहते हैं पोस्ट, उसके बाद यहाँ पे व्यू इनसाइट्स का भी ऑप्शन होता है। व्यू इनसाइट्स क्या होते हैं, जो कि आपको एनालिटिक्स मिल रहे होते हैं, आपको बता रहे होते हैं कि आपकी जो पोस्ट है इसके ऊपर कहाँ कहाँ से जो है वो लोगों ने इसको देखा है, कितने लोगों ने देखा है, कितने लोगों ने क्लिक किया, कितने लोगों ने लाइक किया, कितने लोगों ने कमेंट किया इस पे, उस हवाले से जो डिटेल है वो आपको यहाँ पर मिल जाती है। उसके अलावा यहाँ पे प्रमोट का बटन आ रहा होता है,
अब मैं एड्स के हवाले से बात कर रही हूँ यहाँ पे कि आप अपनी पोस्ट, अपनी प्रोफाइल को अगर आप बूस्ट करना चाहते हैं या फिर आप अपने कंटेंट को बूस्ट करना चाहते हैं, प्रमोट करना चाह रहे हैं थ्रू इंस्टाग्राम, तो क्या तरीका कार होगा कि यहाँ पे आपके पास प्रमोट का बटन आ रहा होता है, उस बटन पे आपने क्लिक करना है। जब आप इस बटन पे क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट जो है वो आपके पास यहाँ पे डायरेक्शन आ रहा होता है। डायरेक्शन का जब ऑप्शन आता है, यहाँ 4 स्टेप्स हैं, ये 1 फर्स्ट स्टेप है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर आपने उसको करना होता है कि वो जो ये प्रमोट हो, ये पोस्ट, ये कंटेंट जो आप बूस्टिंग पे लगा रहे हैं, ये कहाँ पे ओपन हो, ये कहाँ पे लोगों को लेके आए, योर प्रोफाइल, क्या आपकी प्रोफाइल के ऊपर लेके आए, ये वेबसाइट, आप अपनी वेबसाइट पे लेके जाना चाह रहे हैं, या फिर आप डायरेक्ट मैसेजेस जो है वो यहाँ पे रिसीव करना चाह रहे हैं। तो ये ऑप्शन आपके पास होते हैं यहाँ पे, आपने जो भी आपको बेस्ट ऑप्शन लगता है आपने वो चूज कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने योर प्रोफाइल, इनके प्रोफाइल का मैंने ऐड किया है। उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ नेक्स्ट आ रहा है सिलेक्ट टारगेट ऑडियंस, आप अपनी टारगेट ऑडियंस जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ऑटोमेटिक जो है वो लोग जो आपको फॉलो कर रहे हैं उन्हीं के जैसे लोगों को जो है वो ये आपका दिखा देगा एड, और आपकी जो प्रमोशन है उनको शो करवाए, या फिर आप इसमें मजीद खुद से जो है वो एडिट करके इसमें जो है क्रिएट योर ऑन पे क्लिक करके आप न्यू जो ऑडियंस है वो यहाँ पे कर सकते हैं। क्रिएट योर ऑन पे क्लिक करके आप मजीद अपनी खुद से ऐड करके लाहौर, पाकिस्तान, या फिर आप किसी भी सिटी को, आप 4-5 सिटीज को एक टाइम पे टारगेट करना चाह रहे हैं तो वो आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बहुत ही सिंपल से स्टेप्स हैं, बहुत मुश्किल नहीं है। आगे फर्दर जो थर्ड स्टेप होता है इसका, बजट एंड ड्यूरेशन का है। यहाँ पर ये क्लाइम लगी हुई है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं कि बजट आप यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हैं इसका। उसके अलावा ड्यूरेशन जो है वो यहाँ से कम ज्यादा किया जा सकता है। इस लाइन को ही आपने पे क्लिक करके जो है उसको बैक कर लेना है या उसको आगे फर्दर लेके चल सकते हैं। उसके बाद लास्ट जो यहाँ पर आ रहा होता है उसमें जो चीजें आपने ऐड की होती हैं उसमें एस्टिमेटेड जो रिजल्ट आ रहे होते हैं उसके हवाले से जो है यहाँ पर इस तरह से आ रहा होता है। अब जैसे अगर आप देखें तो यहाँ पर जो बजट था, मैंने ऑडियंस ऐड की हुई थी, डायरेक्शन ऐड की हुई थी, वो स्टेप आ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पेमेंट का आ रहा है, तो पेमेंट मेथड आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप अपना पेमेंट मेथड ऐड कर सकते हैं। पेमेंट मेथड क्या है आपका, जो आपने बैंक अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, आपके पास कार्ड है, वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड, वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद क्रिएट प्रमोशन पे आपने क्लिक करना है तो आपकी प्रमोशन क्रिएट हो जाएगी। अब ये तरीका क्या है जो कि इंस्टाग्राम से आप अपनी जो है प्रमोशन करते हैं, प्रमोशन करने के बाद जो है आपको आपकी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल पे, कंटेंट पे जो है उसके रिजल्ट्स मिलते हैं। उसके अलावा आप अगर आप जैसे मैंने पहले आपको फेसबुक का करवाया था, तो फेसबुक बिजनेस मैनेजर के थ्रू जो आप कंपेन क्रिएट करते हैं वो आपकी एक ही टाइम पे फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों पे ही पब्लिश हो रही होती है। आप अगर यहाँ से करेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम पे ही शो होगी, लेकिन अगर आप फेसबुक से टारगेट करते हैं, फेसबुक के थ्रू जो है वो आपका कोई कंपेन क्रिएट करते हैं, तो उससे बेनिफिट होता है कि आप इंस्टाग्राम पे भी और फेसबुक पे भी एक ही बजट में जो है वो एड क्रिएट कर सकते हैं। तो उस चीज पे भी आप लोग जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, इस पे भी कीजिएगा, ताकि आप लोगों को चीजें मजीद बेहतर तरीके से जो है वो समझ में आ सके। और इस यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो कि ये बहुत बेसिक सी सर्विसेज जो होती हैं वो लेना चाह रहे होते हैं। बेटा अगर आपने कैटेगरी गलत ऐड की हुई है तो उसको बिल्कुल डिलीट करके दोबारा ऐड कर लो, सही कैटेगरी के साथ ऐड करो तो उसमें ज्यादा आपको बेनिफिट होगा। और बाकी ठीक है, अच्छा है, चल रहा है, आपका इंप्रेशन और क्लिक्स अच्छे आ रहे हैं, आप इसको आगे फर्दर जो है वो लेके चलो। वाओ, दैट्स ग्रेट। ऑर्डर कंप्लीट हो जाए तो मेरे साथ स्क्रीनशॉट जो है वो आप लोग प्लीज शेयर कर दिया करें, ताकि मुझे भी आइडिया हो जाए। माशाल्लाह काफी बच्चे इस टाइम पे जो है वो काम कर रहे हैं,
तो आप लोग काम करते रहें, और बाकी जिनको ऑर्डर नहीं मिल रहे, अल्लाह ताला आप सब पे भी जो है वो करम करे कि आप लोगों को भी, आप लोगों को भी बहुत जल्दी जो है वो ऑर्डर मिल जाए। दैट्स ग्रेट बेटा, आपकी अपनी एफर्ट्स होती हैं और हम लोग कोशिश कर रहे होते हैं कि आप मजीद, हम आप लोगों के लिए जो है वो आपको हेल्प कर सकें। और किसी को भी कोई भी हेल्प चाहिए होती है रिगार्डिंग प्रोजेक्ट, तो प्लीज आप लोग जो है वो मुझसे या मेरी टीए से जो है वो कांटेक्ट किया करें, वो आपको हेल्प कर दिया। ओके, अब मैं आप लोगों की जो है यहाँ पे कुछ प्रोफाइल्स रिव्यू कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग का जो लिंक है वो शेयर कर दूंगी, एंड देन आप मेरे साथ लाइव स्ट्रीमिंग में जो है वो ऐड हो सकते हैं। यहाँ पर कैनवा के हवाले से भी कुछ चीजें ऐड करूंगी कि आप लोग कैनवा पे जरूर जाएं, आप इसको देखें, बहुत बेसिक सा टूल है, बहुत बेहतर टूल है जिसपे आप सब लोग काम कर सकते हैं। मे बी अब बहुत दफा ऐसे होता है कि आपको आइडिया नहीं होता और आप जो है वो कहते हैं कि हमें नॉन टेक्निकल के कोर्स में जो है वो एडमिशन लेना है, या हमें टेक्निकल के कोर्स में एडमिशन लेना है, या फिर आपको क्रिएटिव के कोर्स में एडमिशन लेना है। आप यहाँ पे आते हैं, नॉन टेक्निकल का जो कोर्स होता है इसमें हम टेक्निकल और जो क्रिएटिव की कंटेंट होता है उसको भी थोड़ा बहुत हम उसको स्टडी कर रहे होते हैं, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको कैनवा का करवाया है, मे बी आपकी डिजाइनिंग स्किल्स अच्छी हो, समटाइम आपको खुद आइडिया नहीं होता, लेकिन जब आप काम करना स्टार्ट करते हैं, आप इंटरेस्ट लेते हैं, तो आपको चीजें ज्यादा बेहतर और ज्यादा अच्छी लग रही होती हैं, तो आप उस चीजों को फॉलो कर सकते हैं, उसको आगे फर्दर लेके चल सकते हैं। तो इन टूल्स को भी जो है वो जरूर यूज किया करें, और ना सिर्फ यूज किया करें बल्कि आप उसको मजीद आगे बेहतर करें अपने लिए। आप काम करना स्टार्ट कर दें, आप लोग प्रैक्टिस किया करें ताकि आपको ज्यादा अच्छी जो है इसमें रिजल्ट्स मिलें। न्यू उसी पे बनाया जा सकता है, बाकी ये कि आप उसको देखें इस पे जो है वो बिल्कुल आप उसको डल करके आप दोबारा से कर सकते हैं। वैसे मेरा ख्याल है कि आपको ये डल करने की जरूरत नहीं होती है, अगर आप अपनी प्रोफाइल एडिट पे जाते हैं आप यूजर नेम नाम वगैरह चेंज कर सकते हैं, तो आपने कंटेंट डिलीट कर दें, बाकी नया प्रोफाइल हो जाएगी, उसको आप किसी भी नाम से किसी भी चीज से जो है वो आप कर सकते हैं, तो डिलीट करने की जरूरत नहीं है आपको। ओके, मैं आपकी प्रोफाइल भी चेक कर देती हूँ, और बाकी जो है लिंक कैसे शेयर करते हैं बेटा, आपने अपनी प्रोफाइल का लिंक, जैसे कि यहाँ पे आपका ये जो गिग है आपकी, इसका लिंक कॉपी करें, उसके बाद इस शीट में आए, ये अनाउंसमेंट में जो ग्रुप में अगर आप आएंगे तो अनाउंसमेंट में ये शीट मैंने शेयर की हुई है, आपने सिंपल यहाँ पे क्लिक करना है, उसके बाद आपने अपना नाम यहाँ से ढूंढना है, नाम ढूंढने के बाद जो है उसके आगे आपने ये लिंक ऐड कर देना है फाइवर का भी और फ्रीलांसर प्रोफाइल का भी। तो फ्रीलांसर के तो अभी बहुत ज्यादा कम बच्चों ने जो है वो सबमिट करवाए हैं, ज्यादातर बच्चों के जो है वो अभी पेंडिंग है, तो कोशिश करें कि आप सब लोग जो है वो अपनी प्रोफाइल्स के लिंक सबमिट करवा दें। अच्छा जी बेटा, आपकी मैंने प्रोफाइल जो है वो रिव्यू की भी है, आप अपनी स्किल्स को ज्यादा करो यहाँ पर, ठीक है, मजीद इसमें ऐड करो स्किल्स, और अपनी जो आपने यहाँ पे गिग्स क्रिएट की हुई है, एक डाटा एंट्री से, बाकी दो जो है मेरा ख्याल है वो डिजाइनिंग से रिलेटेड है, तो इसमें मजीद कुछ और भी आप चीजें ऐड करो, और कुछ और कैटेगरीज और कुछ और स्किल्स भी ऐड करो जिसपे कॉम्पिटिशन कम हो।
अब आप में से बहुत सारे बच्चों ने मुझे कहा कि मैम हमें कैसे पता चलेगा कि हम कौन सा काम करें और क्या करें, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की या फिर आप एसईओ की सर्विसेज दे रहे हैं तो उसमें तो कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। बहुत सारे लोग जो है हजारों की तादाद में यहाँ पे बैठ के लोग ये काम कर रहे होते हैं, ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपने क्या काम करना है। कोशिश करें कि वो काम पहले स्टार्ट करें जिनके ऊपर लोग कम काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैं कुछ आपको एग्जाम्पल देती हूँ। ये एक हैशटैग का मैंने आपको किया था, हैशटैग रिसर्च, इस पे कम लोग हैं। इंस्टाग्राम हैशटैग हो गया, इस पे कम लोग हैं। तो ये वो चीजें हैं जिसपे आप लोग जो है वो अगर ट्राई करते हैं, आप कोशिश करते हैं, तो आपको जल्दी अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं। उसके अलावा उसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखें तो अगर आप कंटेंट राइटर हैं तो आप देखें, आप हेल्थ से रिलेटेड जो है हेल्थ एंड फिटनेस आर्टिकल्स जो है ये आप लिख के दे सकते हैं। इसमें कंपटीशन ज्यादा नहीं है, कम है। बाकी यहाँ पर आप मजीद इसमें अगर आप देखें अगर आप देखें तो यहाँ पे हेयर केयर से रिलेटेड प्रोडक्ट और आर्टिकल्स और कंटेंट से रिलेटेड जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा हैं। आप वो यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। कुछ ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं जिससे आपको जो है वो अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे होते हैं। उसके अलावा यहाँ पे एक टॉपिक है सोलर एनर्जी का, वो आप देखिएगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो इससे रिलेटेड जो है लोग काम करवा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो कंपटीशन है वो बहुत कम है। बहुत कम कंपटीशन है जिसमें आप कंटेंट वगैरह इससे रिलेटेड जो है वो ऐड करके दे सकते हैं। इस तरह की बहुत सारी जो है चीजें हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बताती हूँ। ये एक सर्विस है जिसमें कम लोग हैं। ये सर्विसेज है जिसमें बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग जो हैं इस पे काम कर रहे हैं। आप लोग ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। आपके पास लिंक कॉपी करने का ऑप्शन होता है और आप वो लिंक कॉपी करके वो शेयर कर सकते हैं। आप लोग अगर आप मोबाइल ऐप से काम कर रहे हो तो जब आप गिग के व्यू पे जाते हो तो ऊपर टॉप पे जो है उसका लिंक भी आ रहा होता है, वहां से यूआरएल कॉपी का ऑप्शन आता है, वहां से आप कॉपी कर सकते हैं। अच्छा जी, आपने कहा है कि मैम कॉपी राइट्स फ्री इमेजेस और वीडियोस कैसे सर्च करते हैं। इसके हवाले से इंशाल्लाह कल की क्लास में मैं आपको बता दूंगी, मुझे रिमाइंडर करवा दीजिएगा, मैं आपको जो है इस हवाले से बता भी दूंगी और आपको काफी सारी वेबसाइट भी बता दूंगी जहां से आप फ्री कॉपी राइट्स जो है जिनका इशू नहीं होता, इमेजेस और वीडियोस और म्यूजिक जो है बैकग्राउंड म्यूजिक जो चाहिए होता है आप वो फाइंड कर सकते हैं। अच्छा जी, आपने कहा है कि
अच्छा जी, रीजन क्या हो सकती है कि आपने अगर बाय रिक्वेस्ट सेंड की है, अभी तक 42 की हैं और कोई रिस्पांस नहीं आया, अपना टेक्स्ट चेंज करके देखो, मजीद आप देखो कि आपने जो अपनी स्किल्स, अपनी सर्विसेज जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं उनको थोड़ा सा एनालिसिस करो, और इतनी जल्दी गिव अप नहीं करते हैं। टाइम लगता है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि 100 100 बाय रिक्वेस्ट सेंड करने के बाद उनको पहला ऑर्डर मिलता है, तो ये प्लेटफॉर्म, यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है, इन चीजों को आपको थोड़ा इस तरह की चीजें जो है वो फेस करना पड़ जाती हैं, लेकिन आपने इस पे डिसहार्ड नहीं होना। अच्छा जी, मार्केटिंग के लिए टूल्स जो हैं, टूल्स कुछ भी नहीं होते, टूल्स ये एक तरह से आपके पास मीडियम है, इन मीडियम्स को यूज करके ही आप मार्केटिंग कर सकते हैं। बाकी जो है आपके पास इंस्टाग्राम के लिए, अगर आप उसको करना चाहते हैं, तो आपके पास फेसबुक का जो टूल्स हैं, बिजनेस टूल्स हैं, आप उनको यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, फाइबर और फाइबर प्रो जो होते हैं वो उसका इशू ये होता है कि फाइबर प्रो जो है वो प्रोफेशनल लोग होते हैं, उनके कुछ टेस्ट होते हैं, यहाँ पे जैसे आप लोग इंग्लिश टेस्ट देते हैं या स्किल टेस्ट देते हैं, वैसे ही आप बहुत सारे लोग जो हैं वो प्रोफेशनल पे अगर वो शो करवाना चाहते हैं कि उनका एक्सपीरियंस जो है वो इतने सालों का एक्सपीरियंस है, और फिर उनकी प्रोफाइल को जो है उसमें कुछ टेस्ट लिए जाते हैं, उनके स्किल टेस्ट जो होते हैं, उसके बाद वो प्रो में जो है उनकी प्रोफाइल डिस्प्ले हो रही होती है, और जो प्रो में जिनकी प्रोफाइल डिस्प्ले हो रही होती है वो क्या होते हैं कि वो आम ऑर्डर जो होते हैं वो नहीं कर रहे होते, वो वही ऑर्डर करते हैं जो कि ज्यादा पे कर रहे होते हैं, कम पेमेंट पे जो है वो नहीं ले रहे होते। ओके, फॉलो और अनफॉलो का मैंने आज बताना था, बहुत सिंपल है कि जब आप किसी की प्रोफाइल पे जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे फॉलो का आ रहा है ना ऑप्शन, यहाँ पे फॉलो पे क्लिक कर दोगे आप जब, तो उसके बाद जो है वो आपके पास अगर आपने फॉलो किया वह उसके ऊपर क्लिक करोगी तो वो नीचे अनफॉलो का आता है, वहां से आप अनफॉलो कर दो। थैंक यू, आपने मुझे रिमाइंडर करवा दिया। ओके फाइन, मैं आपको उस पर करके आपको बता दूंगी, मेरे पास आपकी प्रोफाइल की डिटेल्स भी हैं, और आप कोशिश क्या करें कि आप उसको साथ साथ कवर करें। ओके जी, मैं आपकी भी चेक कर देती हूँ बेटा। ओके, आपकी प्रोफाइल ऑल ओवर अच्छी है, मैंने आपकी गिग पहले भी चेक की थी, आई थिंक सो आपने कुछ बैनर चेंज किए हैं, तो अब ठीक है आपका, यहाँ पे मुझे कवर तो आपके ठीक लग रहे हैं, मजीद इस पे गिग्स और ऐड करूँ किसी और कैटेगरी से रिलेटेड, तो ऑल द बेस्ट। ओके, आपकी जो प्रोफाइल है, अच्छा आप कोशिश करो कि यहाँ पर जो आपने डिस्क्रिप्शन ऐड की हुई है, मैं ऑलरेडी भी बता चुकी हूँ कि आप इसको थोड़ा सा बेहतर करो, ज्यादा करो इसका कंटेंट, मजीद यहाँ पे जो स्किल्स हैं वो थोड़ी ज्यादा करो, उसके बाद यहाँ पे जो आपने कंटेंट मार्केटिंग फॉर यू वाला ऐड किया है, इस गिग का जो बैनर है इसको ठीक करो, क्योंकि इसके ऊपर वाला टेक्स्ट जो है वो नजर नहीं आ रहा है, इसके बाद जो वी ऑफर में आपने ऐड किया हुआ है वो उसको बेहतर करो, शॉर्ट करो, टू दी पॉइंट करो, ज्यादा बेहतर है। उसके अलावा आपने यहाँ पर ये वाली गिग जो है आपकी वर्कशीट की, ये अच्छी है, बेहतर है, और मजीद जो है इसमें मैं आपकी दोनों गिग्स चेक कर देती हूँ फुल टाइम।
यहाँ पे अगर आप देखें कैटेगरीज वगैरह आपकी बिल्कुल ठीक है। बैनर का साइज एक तो छोटा है, दूसरा आप नहीं इसको थोड़ा नीचे करो ताकि वो टेक्स्ट जो है उस पे डिस्प्ले हो सके। बाकी नीचे का जो टेक्स्ट का साइज है उसको कम करो, कंटेंट यहाँ पे मजीद बेहतर करो, और ये जो आपने एक्स्ट्रा स्पेसेस ऐड की हुए इनको भी कम करो। अच्छा जी, आपने यहाँ पे लिखा है कंटेंट मार्केटिंग ऑन पेज एसईओ। कंटेंट मार्केटिंग और ऑन पेज एसईओ का कोई ऐसे आपस में इतना कोई लिंक नहीं है कि आप इसको थोड़ा बेहतर तरीके से लेके चलो। सिर्फ कंटेंट मार्केटिंग का करो, उसमें आर्टिकल्स का कर दो, पोस्ट का कर दो, लेकिन ये वर्ड चेंज करो, हैशटैग जो है वो चेंज करके देखो, इससे रिलेटेड ऐड करो। अच्छा जी, बाकी आपका ओके, 2 दफा मैंने ऐड कर दिए। यहाँ पे भी ग्राफिक डिजाइनिंग में जो आपने यहाँ पे सब कैटेगरी ऐड की हुई है इसको चेंज करके देखो। जो मोस्टली लोगों ने ऐड की हुई है वो ही ऐड करो, और ये गिग का कंटेंट ज्यादा करो। आपकी जो गिग का कंटेंट है ये बहुत सिंपल और बहुत कम है, इसको थोड़ा लेंथी करो। इतना तो कभी भी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आएगा आपको बेटा। और ये मैं आई थिंक सो आपकी फर्स्ट मैंने पहले आपकी जो है वो प्रोफाइल चेक की हुई है, दोबारा चेक की है, तो अब कोशिश करो कि इसके ऊपर जो चीजें हैं वो बेहतर कर दो। बेटा आपने आप अपनी प्रोफाइल्स के लिंक जो है वो मुझे, आप अपना नाम और अपनी प्रोफाइल्स के लिंक मुझे आप इनबॉक्स कर दो, मैं खुद ऐड कर देती हूँ अगर आपको समझ में नहीं आ रहा। अच्छा जी, स्किल टेस्ट अगर फेल हो जाए तो प्रोफाइल पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता, बस आपकी गिग पब्लिश नहीं होती है। और पास हो जाए तो उसका कोई बेनिफिट ये होता है कि क्लाइंट को आपका आइडिया होता है कि आपके ऊपर ट्रस्ट ज्यादा करता है क्लाइंट उस टाइम उस सेंस में। ऑनलाइन टीचिंग का कैसे हो सकती है, उसके हवाले से यही है कि आप जब ऑनलाइन टीचिंग की कोई गिग क्रिएट करते हैं उसमें कोई स्टूडेंट आपके पास आता है, आपने उसको जो है वो मजीद कहना होता है कि वो आप किसी मीडियम के थ्रू, जैसे कि जूम हो गया या स्काइप हो गया, उसके थ्रू जो है वो आप उसको पढ़ा सकते हैं, और उसकी आईडी वगैरह आप शेयर कर सकते हैं रिक्वायरमेंट में, वो आपके साथ शेयर कर देगा, देन आप उससे कॉन्टेक्ट करके उसको पढ़ा सकते हैं। अब मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ लाइव स्ट्रीमिंग का लिंक शेयर कर रही हूँ, तो आप में से कोई अगर स्टूडेंट्स अपनी कोई भी सवाल क्यूरी मेरे साथ शेयर करना चाहता है लाइव स्ट्रीमिंग में, आप लोग आ सकते हैं और आके आप लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं इस कोर्स के हवाले से। ओके, लाइव स्ट्रीमिंग का लिंक मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है, आप लोग इस लिंक पे क्लिक करके आप मेरे साथ लाइव स्ट्रीमिंग में जो है वो आ सकते हैं, और आके आप लोग जो है वो अपने बारे में, अपनी कोर्स के हवाले से अभी तक आपने क्या चीजें सीखी हैं उसके हवाले से जो है वो बता सकते हैं। बिल्कुल, आप उसके थ्रू भी कर सकते हैं, और यहाँ पर जो अगर आपके पास कोई क्लाइंट आ जाता है वो कहता है जी मुझे एड मैनेजर के थ्रू नहीं करवाना फेसबुक के, मुझे सिर्फ इंस्टाग्राम का, मेरी प्रोफाइल है, मुझे इंस्टाग्राम की ही मार्केटिंग करवानी है, तो आप उसके थ्रू करके दें, तो वो अभी आप लोग कर सकते हैं। तो वो मैंने तरीका कर आपको बता दिया है, आप उसको फॉलो कर सकते हो। ठीक है, ओके, ग्रुप में मैंने आपके साथ लिंक शेयर कर दिया है लाइव स्ट्रीमिंग का। आप में से कोई भी स्टूडेंट जो है वो अगर ऐड होना चाहता है, कोई भी बात शेयर करना चाहता है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है, तो वो लाइव स्ट्रीमिंग के इस लिंक पे क्लिक करके जो है मुझे ज्वाइन कर सकता है। अच्छा जी,
अच्छा जी बिल्कुल, फाइबर जो है वो आपको कहते हैं कि आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर करने अवॉइड करें, और अगर आप करते हैं तो वो आपको जो है वो उस पे स्टक कर देता है। लेकिन जब आप वो किसी की हेल्प कर रहे होते हैं, किसी के क्विज कर रहे होते हैं, किसी को पढ़ा रहे होते हैं, तो आप कोई ऐसा टूल यूज कर ले जिससे आप जो है उसको आपने पढ़ाना होता है, आप ने उसको लेसन करवाना होता है, इंग्लिश सिखानी है, या आप इस तरह से करें कि आप वीडियो बना के उसमें आप उसको भेज दो और वो उस वीडियो के अगेंस्ट जो है वो आपके सवाल जो है वो रिकॉर्ड करके भेज दें या आपको लिख के भेज दें। तो इस तरह से भी किया जा सकता है। बाकी आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग, जिस तरह से अगर टीचिंग के हवाले से जो ज्यादातर लोग हैं वो क्या कर रहे होते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू ही पढ़ा रहे होते हैं, वो जूम या स्काइप के थ्रू पढ़ा रहे होते हैं। बेशक इसमें चीजें हैं, लेकिन इसके अलावा कोई और चीज आपके पास फर्दर कोई भी प्लेटफॉर्म भी नहीं है। और जब आप फाइवर पे ये काम कर रहे होते हैं, जब आप किसी लाइक जूम या स्काइप के थ्रू करवा रहे होते हैं, उसमें पहले आपने वो ऑर्डर रिप्लेस करता है, फिर आप उसको पढ़ाते हैं। तो क्लाइंट जो फाइवर है उसके पास भी जा रही होती है पेमेंट, आपको भी मिल रही होती है, उसमें ज्यादा ऐसा इशू नहीं है, क्योंकि वो काम इस तरह का है, उसमें आप विदाउट जो है वो स्काइप या किसी और मीडियम के थ्रू आप नहीं उसको करवा सकते हैं टीचिंग का। अस्सलाम वालेकुम। ओके, आपके पास वॉइस आ रही है मेरी? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो आप? ठीक ठाक मैम, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। ओके, आप बताओ आपका कैसे एक्सपीरियंस जा रहा है कोर्स के हवाले से, कोई क्वेश्चन आपका? मैम एक्सपीरियंस तो अच्छा जा रहा है, लेकिन अभी ज्यादा नॉलेज नहीं है मुझे इस बारे में। थोड़ी समझ आ रही है, थोड़ी नहीं है, लेकिन मैं अपनी ट्राई पूरी कर रही हूँ कि मैं अच्छी तरह से समझ लूँ। ओके ओके फाइन, दैट्स ग्रेट। आप प्रैक्टिस करती हो डेली बेसिस पे? ओके जी मैम, करती हूँ। तो अभी तक कोई ऐसा टॉपिक जो आपको बहुत अच्छे से समझ आया है, या आपको लग रहा है कि ओके फाइन पहले मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं थी, बट राइट नाउ आपने उसको ट्राई किया है, देखा है? मैम लिंक्डइन का मुझे इतना ज्यादा समझ नहीं आई उसकी, लेकिन बाकी अच्छे से समझ आ रहा है एंड मैं प्रैक्टिस भी कर रही हूँ ओके उस पर। ओके फाइन। अच्छा, आप कोशिश करना कि आप लिंक्डइन को जो है वो मजीद देखना, और उस पर प्रोफाइल क्रिएट करना अपनी, और जो चीजें मैंने आपको बताई थी इवन। और एक और चीज है, जब आप, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको किसी भी तरह से नॉलेज नहीं होती है चीजों के बारे में, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी वो इन प्लेटफॉर्म्स को यूज नहीं किया होता। तो जब आपको नॉलेज मिल रहा होता है या आपको पता चल रहा होता है कि ओके ये प्लेटफॉर्म भी है, इनको हम यूज कर सकते हैं अपनी डेली बेसिस रूटीन में, तो आपने क्या करना है उसके, जब मैं टॉपिक, क्योंकि मैं आपको कवर करवा रही होती हूँ, उस टाइम पे आपको चीजों के बारे में बहुत ज्यादा आइडिया नहीं होता, फेमिलियर नहीं होते, तो आप यूट्यूब पे जाके भी इससे रिलेटेड जो हेल्पिंग वीडियोज होती है वो देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक यू बेटा, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू मैम। अल्लाह हाफिज। ओके, आप में से कोई और स्टूडेंट जो है वो अगर ऐड होना चाह रहे हैं लाइव स्ट्रीमिंग में, तो वो हो सकता है, लिंक मैंने आपके साथ शेयर कर दिया हुआ है। आज जो हमारा इंस्टाग्राम का टॉपिक था, ऑलमोस्ट ये सारा का सारा मैंने डन कर दिया हुआ है। इसको मजीद आप लोग जो है वो अपने एंड पे जरूर देखिएगा, अपने एंड पे इसको
समझने की कोशिश कीजिएगा, देखने की कोशिश कीजिएगा। अब यहाँ पे ये एक और स्लाइड थी जो कि मेरे से मिस हो गई, बट मैं इसके बारे में आपको बता देती हूँ। जब आप यहाँ पर ऐड स्टोरी पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है ये कुछ इस तरह की स्क्रीन ओपन होगी, ठीक है, ये वाली स्क्रीन आएगी, जिसमें एक तो ये आपकी कैमरा स्क्रीन स्क्रीन होती है। आपका कैमरा क्या होता है, आप इसको यहाँ से टर्न कर सकते हैं फ्रंट या बैक कैमरे से, जो है वो आप स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे ये आप अगर गैलरी में से आपने कोई इमेज वगैरह ऐड करनी होती है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप अपनी गैलरी से कोई भी इमेज यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा आपके पास जो है मजीद यहाँ पे नॉर्मल है, क्रिएट का ऑप्शन है, क्रिएट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपके पास ये वाला ऑप्शन आ जाता है, जिसपे आपने देखा होगा कि बहुत दफा लोगों ने इस तरह की टेक्स्ट पोस्ट होती है जिसके ऊपर वो टाइप करके ऐड कर देते हैं। टाइप करके आप लिख सकते हैं, उसके अलावा टैग कर सकते हैं लोगों को। यहाँ पे जिफ कुछ इमेजेस होती हैं जो कि वो आप ऐड कर सकते हैं, जिससे आपका कंटेंट जो है वो बहुत क्रिएटिव जो है वो शो हो रहा होता है आपको। उसके अलावा आप इंस्टाग्राम से लाइव जो है वो जा सकते हैं, लाइव जिस तरह से आप फेसबुक लाइव का ऑप्शन होता है, सेम इसी तरह से आपके पास ये वाला ऑप्शन भी है कि आप इस पे लाइव जा सकते हैं। और नॉर्मल का है जिसमें नॉर्मल आपके पास कैमरा होता है, अदर सम फैक्टर्स भी हैं जिनको आपने खुद ट्राई करना है। कोशिश कीजिएगा कि आप सब लोग जो चीजें मैंने आपके साथ शेयर की हैं इनको आप टेस्ट कीजिएगा। यहाँ पे फिल्टर्स भी हैं जिस तरह से आप स्नैपचैट के फिल्टर्स देखते हैं या फिर आप कैमरा या इमेजेस जो क्रिएट करते हैं डिफरेंट एप्स के थ्रू, उसमें फिल्टर होते हैं, ऐसे ही फिल्टर यहाँ पे भी अवेलेबल हैं। अस्सलाम वालेकुम हिना। वालेकुम अस्सलाम मैम, आपको मेरी आवाज आ रही है? मैम जी बेटा, आपकी आवाज आ रही है। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। मैम मेरा क्वेश्चन था कि अगर जो आप हमें बताती हैं ये इंस्टाग्राम का या जो वो फेसबुक सूट का, उसके बारे में बताया था कि उसके थ्रू हम मार्केटिंग कर सकते हैं, हम फाइवर पे अपनी गिग्स पे बना सकते हैं, लेकिन मैम हम अपनी सर्विस देने से पहले हम उस पे कैसे प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं ताकि हमें सारी चीजों की अच्छी तरीके से समझ आ जाए। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। इस हवाले से यही है कि आपने फेसबुक पे जिस तरह से है या इंस्टाग्राम का मैंने आपको बताया या लिंक्डइन का मैंने आपको बताया है, आपने उस पर जी डमी डमी पेज बना सकते हो ना आप? हाँ जी, टमी पेस्ट तो बना सकते हैं। हाँ, तो आपने सिर्फ डमी पेज बनाना है और डमी पेज बनाने के बाद जो है आपने उस पर डमी ही मटेरियल ऐड कर देना है। आप अपनी इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं वो भी आप दे सकते हो। ठीक है तो मोस्टली जो कंटेंट इस पे होगा वो डमी आपने ऐड करके और उसको आगे लेके चलना उस पर, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। और अगर आपका क्लाइंट आपको कहता है कि आप मुझे अपना प्रीवियस वर्क दिखाएं तो आप वो भी दिखा सकते हैं। कोशिश करें कि जो आप डमी पेज क्रिएट करते हैं उस पर जो कंटेंट वगैरह ऐड करना होता है वो क्वालिटी कंटेंट ऐड करें, खुद से क्रिएट करके ऐड करें, ताकि आपको हर तरह से अपने स्किल्स के हवाले से भी पता चलता जाए और अगर आपका क्लाइंट देखता है उसको तो उसको भी बेहतर आइडिया जो है वो हो उसे। ठीक है। और मैम जो जो एड्स होती हैं पेड एड्स, अगर वो तो फिर हम जब हम किसी कस्टमर को कोई सर्विस देंगे तब भी हम उसे यूज करेंगे, वैसे पहले तो हम नहीं कर सकते क्या कहा आपने? हाँ जो जो पेड एड्स चलानी होती हैं, जी बिल्कुल बिल्कुल। वो तो फिर हम कस्टमर को जब सर्विस प्रोवाइड करेंगे तब ही देंगे। और मैम दूसरा ये सवाल था मेरा कि जब हम ये पेज वगैरह बनाएंगे, जब हम कस्टमर के लिए काम करेंगे तो फिर तो हम उन्हीं के जो है फेसबुक या इंस्टा पे उनके लिए बिजनेस पेज वगैरह उनको रन करके देंगे ना? बिल्कुल, जब आप उसको करते हैं कस्टमर के लिए तो उसको उस टाइम पे फेसबुक का जो पेज होता है वो आप अपनी आईडी से क्रिएट करके उसको एडमिन की एक्सेस दे सकते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि पेज सेटिंग में जाके आपके पास पेज रोल का ऑप्शन आता है जहाँ पे आप किसी को एडमिन साइन करना चाहते हैं, एडिटर साइन करना चाहते हैं, पेज की एक्सेस करने के लिए उसको ऐड कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम का जो होता है वो यूजर नेम और पासवर्ड आपने उसके साथ शेयर कर देना है। कोशिश करें कि उससे ईमेल एड्रेस ले लें उसका, ताकि वो आपके साथ शेयर कर दे, आप उसको क्रिएट करके दे दो। अगर वो नहीं दे रहा तो आप एक नई ईमेल आईडी पे क्रिएट करके उसके साथ वो इंफॉर्मेशन डिटेल जो है वो शेयर कर दें। ठीक है मैम, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया बेटा आपका, थैंक यू सो मच।
ओके जी, थैंक यू सो मच आप सब लोगों का. आप लोग जो है, जो चीजें मैंने आज क्लास में आपको करवाई है, ये टॉपिक कवर करवाया है, इसको जो है वो प्रैक्टिस कीजिएगा. कल इंशाल्लाह हम ट्यूटर का जो है वो स्टार्ट करेंगे. ट्यूटर पे किस तरह से आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं. मेरी कोशिश है कि मैं कल की क्लास में जो ट्यूटर का टॉपिक है ये कवर करवा दूं, ताकि नेक्स्ट मंडे से जो है वो हम लोग कंटेंट मार्केटिंग और ब्लॉगिंग का जो टॉपिक है उसको स्टार्ट कर सकें. कल मैं इंशाल्लाह ट्यूटर का, देन उससे नेक्स्ट डे प्रिंटरेस्ट का मैं कंप्लीट करवा के टॉपिक जो है, ताकि आप लोगों में से वो बच्चे जो इस टॉपिक से जो है वो बोर हो रहे हैं, उनके लिए भी जो है और बाकी सबके लिए भी हम आगे फर्दर जो है अपने कोर्स को जल्दी वाइंड अप कर सकें. तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारा कंटेंट ऐसा है, टॉपिक ऐसे हैं जिसमें समटाइम आपका स्टार्टिंग में इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन डे बाय डे जब चीजें हो रही होती हैं तो उस पे इंशाल्लाह आप लोग जो है. अच्छा जी, आप लोगों का जो है यहाँ पर YouTube के हवाले से जो है टॉपिक वो मैं पहले नहीं करवाती हूँ. उसकी रीज़न ये होती है कि YouTube में जो है वो SEO का जो टॉपिक होता है वो उसमें रिपीट हो रहा होता है, यानी कि हमने SEO भी आपको बतानी है कि आप अपनी चैनल की SEO कैसे करते हैं, या आप जो है फर्दर जो काम करना होता है वो किस तरह से आप करते हैं. उस हवाले से आपको SEO के टॉपिक के बाद करवाने की रीज़न यही होती है कि आपको उस टाइम पे ऑप्टोमाइजेशन के हवाले से आइडिया होता है कि आपने अपने चैनल को कैसे ऑप्टोमाइज करना है. अच्छा जी, काफ़ी काम होता है बिल्कुल एडिटिंग वगैरह का, और यहाँ वीडियो एडिटिंग के हवाले से मैं टूल्स वगैरह आपको बता दूंगी, बेसिक चीज़ें मैं आपको बता दूंगी, बाकी जो है वो आपने उसको खुद करना होता है. चैनल ऑप्टिमाइजेशन, चैनल को कंटेंट, बहुत सारे लोग बहुत अच्छा कंटेंट ऐड कर रहे होते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता कि किस तरह से हमने अपने चैनल का जो कंटेंट है उसको बूस्ट करना है, कैसे उसको लोगों तक जो है लोग कैसे उसको देख सकते हैं, लोग कैसे एक्सेस कर सकते हैं, उस हवाले से आइडिया नहीं होता. तो इंशाल्लाह इसमें यूट्यूब मार्केटिंग के हवाले से जो है वो काफी सारी चीजें होंगी. बाकी आप लोग जो है मजीद इस पे प्रैक्टिस किया करें, कोशिश करें. ओके, आप इस तरह से करो कि आपका आई थिंक जो बेसिक इंग्लिश टेस्ट ही है जिसका जो कि आपका क्लियर नहीं हो रहा, अगर आपने वो ऐप यूज किया फिर भी नहीं हो रहा, समटाइम देखें आपका ना आपकी लक भी समटाइम जो है वो उसमें मैटर कर रही होती है. आप ट्राई करो, आप इस तरह से डिसहार्ड ना हो, कोई जरूरत नहीं है सारी चीजों को टेंशन लेने की, आपको स्ट्रेस लेने की. आप कोशिश करते रहो, इंशाल्लाह आपका जो है वो टेस्ट हो जाएगा. आप बनाओ अकाउंट, उसके बाद आप मेरे साथ कोऑर्डिनेट करो, मैं आपका टेस्ट करवा दूंगी. ठीक है, ओके. आपने कोई बैकग्राउंड पिक्चर रिमूव करवानी है तो आप मेरे साथ शेयर करो, मैं आपको रिमूव करवा दूंगी वैसे. और इवन मैं आपको कुछ कल की क्लास में आप मुझे याद करवाना, रिमाइंडर करवा देना, मैं आपको यहाँ पे एक टूल बताऊंगी जिसके थ्रू आप बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं अपनी पिक्चर का. ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, इतना आप वो ना करें. टीए जो है वो हेल्प आपको ना कर पाए मे बी, क्योंकि उनकी फील्ड जो है वो डिजाइनिंग नहीं है, और बैकग्राउंड रिमूव करना जो है ये एक डिफरेंट जो है वो टूल है, ये ग्राफिक डिजाइनिंग क्रिएटिव का है. आप में सब इमेज शेयर करना आप मुझे इनबॉक्स में, मैं आपको कल की क्लास में बता दूंगी किस तरह से रिमूव करते हैं और आपको रिमूव भी कर दूंगी. ठीक है, थैंक यू सो मच आप सब लोगों का. इंशाल्लाह कल की क्लास में जो है हम आगे न्यू टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे, और जो अभी करवाए हैं उस पर आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा. थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़.